Radhe meri swamini, main radhe ko daas, janma janma moh dijiyo, shri vrindavan vaas. Radha tu bad bhagini, kaun tapasya kin, tino lok ke nath hai, so tero aadi. जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुनतीर वनचारी यमुनतीर वनचारी यमुनतीर
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे हमारो धन राधा श्री राधा हरो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे
राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे बोलो राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे बोलो राधे 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 जटीपुरा में गोवर्धन में दान घाटी में संकर्षण कुंड में गोविंद कुंड में भैरव कुंड में गौरी कुंड में कुशरिका लोटा राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे श्याम कुटीर में राधे राधे नारद कुंड में राधे राधे ग्वाल पोखरा राधे राधे हरि गोकुल में राधे राधे रमण रति में राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे सने बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे गोपीना जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा विनोद जी राधे राधे साक्षी गोपाल जी राधे राधे राधा माधव राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे युगल किशोर जी राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे अष्ट सखी जी राधे राधे केशव देव जी राधे राधे द्वारकाधीश जी राधे राधे विमलेश्वर महादेव राधे राधे रंगेश्वर महादेव राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे बोलो राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 वृंदावन में सुमरत गाँव में काली जहा पर पान गली में मान गली में कुमन गली में कुंज सेवा में प्रेम गली में श्रृंगार घाट में चीर घाट में पेशी कदम में निधि वन में वंशी वट में ज्ञान गोदरी ब्रह्मा कुंड में अटल वन में निहर वन में गोपाल वन में वेणु कोप में निकुंज वन में राधा वन में झूलन वन में पांडुर वन में मधु वन में सूर्य घाट में युगल घाट में निहर घाट में अंधेर घाट में पानी घाट में तेरी कदम में मथुरा जी में जन्मभूमि में गोपेश्वर में स्वामी घाट में मधु कुंड में अपूर्व भवन में लाल वन में समुद्र वन में परिवारी में बरारी गांव में
राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे नाम महागन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महागन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटारी यटा जग की हम तो कुटिया ब्रज माही हम तो कुटिया ब्रज माही बना तू कमीने रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी तू कमीने रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपने ठकुरानी श्री राधिकारानी 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 हम राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे 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 जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय शोभना जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय शोभना जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय शोभना जगन्नाथ जगन्नाथ हाँ गौरनिताय जय गौरनिता गौरनिताय जय गौरनिता गौरनिताय जय गौरनिता गौरनिताय जय गौरनिता गौरनिताय जय Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada.
Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, संगीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय गाय गौर प्रेमानंद हरि हरि गो भगवान ब्रजेश तनय तदधाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमापुमल्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मत्मिदम् तत्रादरो नः पर श्री चैतन्य महाप्रभु मत्मिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वा च मीमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र शपुटेशयानम् बालं मुकुन्दं
मनसास्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृतमेत देव गोविंद दामो धर्माधवे जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हरे श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जिनको आचार्यों ने पंचम वेद कहा है, श्रीमद् भागवत जिनमें भगवान श्री कृष्ण के अवतारों की कथा है, श्रीमद् भागवत जो समाज में शांति और दुनिया में क्रांति लाने वाला ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत जो रस शास्त्र है, श्रीमद् भागवत जिसका श्रवण करके भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे दिव्य भागवत कथा का हम सब पिछले 3 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिन है। भागीरथी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित उपस्थित हैं। अनेकों संतों की सभा के बीच में व्यास मंच पर परम विरक्त चुड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी विराजमान है। और उस अवस्था में महाराज परीक्षित अपने हृदय की बात बताते हुए सुखदेव गोस्वामी के प्रति जिज्ञासा करते हैं। पिछले 3 दिनों से महाराज परीक्षित के द्वारा हुई जिज्ञासा का हम श्रवण कर रहे हैं। जिज्ञासा का सार यही है कि हे सुखदेव गोस्वामी, 3 दिन 3 रात बीत चुके हैं, अब मेरे जीवन में बहुत कम समय बाकी है, बहुत कम समय के लिए मुझे जीना है, तो उस कम समय में आप मुझे कृष्ण कथा का श्रवण कराइए। प्रभु, मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। क्या है कृष्ण कथा में? महाराज परीक्षित को पूछा जाए, आप कृष्ण कथा ही क्यों सुनना चाहते हो? तो गत सत्र में कहा गया, महाराज परीक्षित कृष्ण कथा की विशेषता बताते हुए कहते हैं, निवृत्त तर्षे उपगीय मानाद भव औषधाच्युत मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्यत विना पशुघ्नात्। भगवान श्री कृष्ण की कथा निवृत्त तर्ष गीय मानात शुद्ध भक्तों के द्वारा गाई जाती है। गोपियां भी कहती है ना गोपी गीत में, तव कथामृतम तप्त जीवनम
कवि भिरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदार्जना भुवि गृणन्ति ते भूरिदार्जना। हे कृष्ण, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम। कवि भी, बड़े बड़े मुनि भी, महात्मा विरक्त भक्तों के द्वारा आपकी कथा गाई जाती है। अर्थात बड़े बड़े लोग जो संसार से नितराम उपराम हो चुके हैं, समस्त आसक्तियों से मुक्त हो चुके हैं, वे भी आपकी कथा रात दिन गाते रहते हैं। और इतना ही नहीं, आपकी कथा भवरोग से मुक्त करने के लिए औषधि के समान, भव औषधात। इतना ही नहीं, छोत्र अभिरामात मन अभिरामात कर्ण को भी आनंद देती है और मन को भी आपकी कथा आनंद प्रदान करती है, मनोरंजन प्रदान करती है आपकी कथा। बताइए, जब भगवान श्री कृष्ण की इतनी, कृष्ण कथा की इतनी महिमा है, तो इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहेगा। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथा उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा गाई जाती है। अथवा भगवान श्री कृष्ण के मुख से उत्तम श्लोक निकले हैं, अतः कृष्ण को उत्तम श्लोक कहा जाता है। कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात, इस संसार में कह ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की कथा को नहीं गाएगा या नहीं सुनेगा। पुमान विरज्यत विना पशुगनाथ, एक प्रकार के लोग कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे जिसका हृदय पाषाण पत्थर के समान कठोर हो चुका है। अन्यथा संसार के सब लोग कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैं कृष्ण कथा इसलिए सुनना चाहता हूं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूरे दुनिया की रक्षा करते ही हैं, परंतु अभी अभी कुछ समय पहले हमारे पितामह, हमारे दादा पांडवों की रक्षा उन्होंने की। पितामहा में समरे मरंजये देवव्रता आदि रथे स्तिमिंगले दुरत्यय कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्स पदम सयत्लवा। महाराज परीक्षित कहते हैं, मैं पितामहा, मेरे पितामह, मेरे दादागण पांडवगण समरे युद्ध भूमि में खड़े थे। कल मैंने आपको बताया, श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिखते हैं, समर का अर्थ होता है युद्ध। समर को युद्ध क्यों कहते हैं? मर का अर्थ होता है मरना, और स माने सम्यक रूपेण, पूरा पूरा जहां पर मरने के लिए ही खड़े हैं। बस घर से ये सोचकर निकले हैं कि हम मरकर ही वापस आएंगे, जहां से जीवित आने का कोई चांस नहीं है। मेरे पितामह ऐसे समरे, ऐसे रणभूमि में, युद्ध भूमि में खड़े थे जहां से उनका जीवित लौटना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे पितामह पांडवों की सेना में थे और उनके विपक्ष में जो सेना थी, उन सेनाओं में अमरंजये, अमर माने देवता जो कभी मरते नहीं है, ऐसे अमर देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाले देवव्रता आदि रथे स्तिमिंगले। देवव्रत, ये पितामह भीष्म का नाम है।
देवव्रत आदि, आदि से अनेकों लोगों का नाम लिया गया। उस कौरव की सेना में पितामह भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, भूरिश्रवा एक से एक योद्धा थे जो रति अतिरथि महारथी की पोस्ट पर थे। और ये सब कैसे थे तो कहते हैं तिमिंगल, ये बहुत बड़े बड़े योद्धा थे और उन सभी योद्धाओं में सबसे बड़ा योद्धा था पितामह भीष्म। पितामह भीष्म के गुरु थे, धनुर्विद्या का ज्ञान उनको परशुराम जी ने दिया था। लेकिन एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि पितामह भीष्म भगवान परशुराम के ऊपर भारी पड़ गए। दोनों के बीच में भगवान का एक अवतार हुआ परशुराम, उनके विषय में आज आप सुनेंगे। परशुराम जी जिन्होंने इस संसार में 21 बार इस दुनिया के क्षत्रियों का विध्वंस किया, परशुराम जी का परशु जब उड़ता था संसार के क्षत्रिय कांपने लगते थे। जमदग्नि के पुत्र घोर स्वभाव वाले ऐसे परशुराम जी पितामह भीष्म के गुरु थे और गुरु और चेले के बीच में युद्ध हुआ, पितामह भीष्म भारी पड़ गए, इतने बड़े योद्धा थे। भक्तों, जिन्होंने अपने पिता की सेवा करके इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया था, जब तक पितामह भीष्म की इच्छा न हो तब तक उसको इस दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती थी। और ऐसे पितामह भीष्म को तिमिंगल कहते हैं महाराज परीक्षित। देवव्रता आदि रथे, अति रथे, अति रथी का अर्थ होता है कि जो अकेले 10,000 रथियों के साथ युद्ध करे उसे अति रथी कहते हैं। एक आदमी 10,000 रथ के ऊपर योद्धा खड़े हैं और अकेला जिसके साथ युद्ध करने में समर्थ है, ऐसे पितामह भीष्म को महाराज परीक्षित तिमिंगल कह रहे हैं। भक्तों, ये तिमिंगल एक मछली का नाम है। समंदर में, बड़े बड़े महासागर में बड़ी बड़ी मछलियां पाई जाती हैं, जैसे डॉल्फिन, शार्क, ये सब मछलियां हैं ना। उनमें से एक मछली है तिमिंगल, तिमी नाम की एक मछली होती है। आप लोग सुनकर आश्चर्य महसूस करोगे, आचार्यों ने ऐसा लिखा है, ये तिमी नाम की मछली का शरीर 100 योजन लंबा होता है। 100 योजन माने 400 कोस, 400 कोस माने 800 माइल, किलोमीटर आप जोड़ लीजिएगा। 800 माइल लंबा तिमी नाम की मछली का शरीर होता है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर में ये बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। और 800 माइल लंबी चौड़ी मछली को भी एक मछली खा जाती है। मछली को आप जानते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। तो 800 माइल लंबी चौड़ी मछली को जो खा जाए वो मछली कितनी बड़ी होगी। तो तिमिंगल, तिमी नाम की मछली को जो अपने गले में ले ले, अपने गले में अटवा ले, तिमिंगल, तिमी को अपने गले में अटवा ले, उसे तिमिंगल कहा जाता है। उस महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि में पितामह भीष्म तिमिंगल की पोस्ट पर थे। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने बहुत सुंदर बात बताई, समंदर की जो मछली होती है कभी कभी अपने बच्चों को ही खा जाती है, भूख लगती है तो बड़ी मछली छोटी मछली को अपने बच्चों को ही खा जाती है। पितामह भीष्म के बच्चे थे ये पांडव और उनको खाने के लिए पितामह भीष्म खड़े थे। इसलिए परीक्षित ने ठीक ही कहा, देवव्रता आदि रथे तिमिंगले, ये देवव्रत पितामह भीष्म तिमिंगल के समान थे, बहुत बड़े योद्धा थे। मैं ये कह रहा था कि अपने गुरु परशुराम जी के ऊपर भारी पड़ गए। प्रसंग कुछ इस प्रकार का था, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए। उसके पीछे भी एक कथा है, शकुंतला के पुत्र भरत जी हुए
पूरे भारत भूमि के राजा। वैसे राजा भरत के बहुत संतान थी, परंतु राज चला सके ऐसी योग्यता किसी में नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम था शांतनु। उनका नाम शांतनु इसलिए था क्योंकि वो इतने धर्मात्मा थे, दिखने में इतने सुंदर लगते थे कि संसार में यदि कोई व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में आ जाए, शांत तनु, शांत माने शरीर का मरना, कहते ना इसका शरीर शांत हो गया, लेकिन जिसको देखकर व्यक्ति की मृत्यु बच जाए, बूढ़ा व्यक्ति जवान हो जाता था, इसलिए उसका नाम शांतनु रखा गया। ऐसे शांतनु को राजा भरत ने गोद लिया। राजा शांतनु भारत भूमि के राजा हुए और उन्होंने गंगा के साथ विवाह किया। गंगा की शर्त थी, राजन में तुम्हारे साथ विवाह तो करूंगी, परंतु तुम्हें मेरे पर कभी क्रोध नहीं करना है। जिस दिन तुम मुझ पर क्रोध करोगे और मेरे कार्य में तुम बाधा बनाओगे, मेरे कार्य में कभी बाधा मत देना। जिस दिन मेरे कार्य में बाधा आएगी, उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु गंगा से मोहित होकर विवाह कर लिए। आप सब जानती हैं, गंगा के पुत्र होने लगे और एक एक करके सारे पुत्र को नदी में बहाने लगी। आठवें पुत्र को जब बहाने गई, शांतनु महाराज रह नहीं पाए, रोक दिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसी प्रकार गंगा उस पुत्र को छोड़कर चली गई और अपने पति को छोड़कर चली गई। गंगा जब से चली गई, तब से शांतनु महाराज बड़े दुखी रहने लगे, चिंतित रहने लगे, गंगा के विरह में बड़े परेशान रहते थे। एक दिन की बात, वे विचरण करते करते यमुना के तट पर आए और वहां पर एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा। उस स्त्री का नाम था सत्यवती। राजा शांतनु का मन सत्यवती के ऊपर आ गया और शांतनु ने कह दिया, तुम मेरे साथ विवाह करोगी? सत्यवती ने कहा, हमारे पिताजी यदि हाँ कर दे तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, ऐतराज नहीं है। राजा शांतनु सत्यवती के घर पर गए, माता पिता से बात की, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। बोले, मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त है, आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा मेरी बेटी के गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र ही होना चाहिए। तब राजा शांतनु ने कहा, यह तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है देवव्रत, जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, और गुरुवंश की यह परंपरा है, ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है, तो मैं सत्यवती के पुत्र को राजा नहीं बना सकता। तो उसके माता पिता ने कहा, तो हम मेरी बेटी का विवाह आपके साथ नहीं करा सकते। राजा शांतनु और चिंतित हो गए और बेचैन रहने लगे। आप सब जानते होंगे, किसी को अनुभव होगा, जिसके साथ शादी करने की बहुत इच्छा है और यदि वहां से ना आ जाए तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, भोजन भी अच्छा नहीं लगता है, सोना भी अच्छा नहीं लगता, आदमी बेचैन सा बन जाता है, मन में ऐसा हो जाता है कि जीवन में मैंने सब खो दिया। राजा शांतनु के जीवन में ही कुछ ऐसा हुआ, परंतु पुत्र देवव्रत अपने पिता के मन की बात को जान लिए। बोले, कुछ प्रॉब्लम है पिता को, कैसे भी करके जान लिए और पता चल गया पुत्र देवव्रत को, पितामह भीष्म को, कि मेरे पिताजी को कुछ प्रॉब्लम है, और उनकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए देवव्रत सत्यवती के घर पर गए। देखिए हमारा इतिहास, इस संसार में माता पिता अपने बेटे का विवाह करने के लिए बेटी का हाथ मांगने जाते हैं, लेकिन आज बेटा अपने बाप के लिए हाथ मांगने जा रहा है। गए देवव्रत और सत्यवती के माता पिता को कहा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरे पिता से आपकी कन्या का विवाह हो जाए, इसमें क्या तकलीफ है?
राजा है, इतने प्रभावशाली हैं, सर्वगुण संपन्न है। तब उनके माता पिता ने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हमारी बेटी का लड़का ही हस्तिनापुर का राजा होना चाहिए। तो देवव्रत ने कहा मंजूर है, मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा इनका पुत्र बनेगा। उस समय ही देवव्रत ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं हस्तिनापुर का राजा कभी नहीं बनूंगा। भीषण प्रतिज्ञा थी, इसलिए उनका नाम भीष्म हुआ। प्रतिज्ञा लेने के बाद भी सत्यवती के माता पिता थोड़े ढीले थे। बोले महाराज, आपकी प्रतिज्ञा तो अच्छी है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, परंतु आप शादी कर लोगे तो पत्नी आने के बाद प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कुछ रहती नहीं है। आपकी पत्नी कहेगी कि आप राजा बनो, उनका बेटा राजा बने। तब देवव्रत ने कहा यदि ऐसा ही है, आपको मेरी शादी से ही प्रॉब्लम है, तो मैं दूसरी प्रतिज्ञा लेता हूं कि आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा। अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए भीषण प्रतिज्ञा ले ली देवव्रत ने। देवताओं के द्वारा पुष्प की वृष्टि हुई, उनका नाम हो गया भीष्म, और सत्यवती को लेकर आए, पिताजी शादी कीजिए। पिताजी खुश हो गए, वाह बेटा वाह। पिताजी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, उस समय पिता ने हृदय से अंतर आत्मा से आशीर्वाद दे दिया, बेटा आज तूने मेरे मन की इच्छा को पूर्ण किया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब तक तुम्हारी इच्छा न हो तब तक मृत्यु तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती है। इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। ताली मत बजाइए, इस प्रसंग को जीवन में उतारिए। एक पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जैसे पितामह भीष्म ने की। अपने माता पिता के लिए पितामह भीष्म ने विवाह नहीं किया, और आज के लड़के अपने माता पिता की मर्यादा को, कुल की, गुरु की मर्यादा को तोड़कर लव मैरिज करते हैं, भाग कर मैरिज करते, न जाने क्या नहीं करते हैं। इस संसार में अपने माता पिता को दुखी करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। ये शास्त्र प्रमाण है, लिख लीजिए इस बात को। आपके पास कितना भी धन आ जाए, कितना भी ऐश्वर्य आ जाए, संसार में मान पद और प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन यदि हमारे कार्य से हमारे माता पिता दुखी हैं, जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे, कभी सुख नहीं मिलेगा। जिस माता पिता ने 9-9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, असह्य प्रसव वेदना सहन की, रात दिन परिश्रम करके खिला पिला कर बड़ा किया, और उस माता पिता को दुखी करके यदि हम प्रगति करना चाहे, हम सफल बनना चाहे, तो ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। परंतु जीवन में कुछ भी हो, हमारे कार्य से यदि हमारे माता पिता प्रसन्न है, खुश है, उनके अंतर आत्मा से यदि आशीर्वाद निकल जाए, तो आदमी संसार के सफलता के शिखर के ऊपर बैठेगा, सफलता प्राप्त कर लेगा। कुछ लोग कह सकते हैं मेरे माता पिता भगत नहीं है, वो तो हिरण्यकश्यपु जैसे हैं, तो शांतनु कौन से बड़े भगत थे, वो तो आसक्त थे किसी स्त्री में, है ना, इतने बड़े भगत नहीं थे राजा शांतनु। परंतु फिर भी माता पिता के अंतरात्मा से निकला हुआ आशीर्वाद अपने पुत्र की प्रगति के लिए होता है। सदैव अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आज के लोग सोचते हैं हम शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, और बच्चे बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे, ये मेरा बच्चा है प्रभु जी, ये बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। सब लोग अपने बच्चों से आशा रखते हैं कि ये बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, लेकिन याद रखे हमने हमारे माता पिता की सेवा की है। किसी ने बहुत सुंदर पद लिखा, संतान थी सेवा चहो, संतान छो सेवा करो, जेवू करो तेवू भरो, ये भावना भूलशो नहीं, जेवू करो ते उभरो,
ये भावना भूल छो नहीं। यदि हम ऐसी आशा रखते हैं कि हमारे संतान हमारी सेवा करे, बड़े होकर हमारी सेवा करे, तो हम भी किसी के संतान हैं। हमने यदि हमारे माता पिता की सेवा की है तो हमारे संतान हमारी सेवा करेंगे। सर्वप्रथम सिद्धांत, प्रत्येक पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पितामह भीष्म अपने पिता की सेवा करके इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिए और वहां पर सत्यवती का विवाह शांतनु राजा के साथ हुआ और सत्यवती के गर्भ से दो पुत्र की प्राप्ति हुई, चित्रांगत और विचित्र वीर्य। युद्ध भूमि में चित्रांगत की मृत्यु हो गई और विचित्र वीर्य का विवाह करने के लिए पितामह भीष्म अपना रथ लेकर गए और तीन कन्या का अपहरण करके आए, अंबा, अंबिका, अंबालिका। जब रास्ते से आ रहे थे तो अंबा ने रास्ते में कहा कि देवव्रत, मैं तो मन ही मन शाल्व नरेश के साथ विवाह कर चुकी हूं, इसलिए मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। पितामह भीष्म ने उसको रास्ते में ही उतार दिया, तुम चले जाओ। और अंबिका और अंबालिका को लेकर आए, शांतनु राजा के विचित्र वीर्य के साथ विवाह कराया। वो जो अंबा थी शाल्व नरेश के पास गई, बोले तुम मेरे साथ शादी करो। शाल्व नरेश ने कहा कि तुम्हारा तो अपहरण हो चुका है, अब कौन शादी करेगा, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। जिसने तुम्हारा अपहरण किया उनको कहो वो शादी कर ले। वह अंबा जो थी ही पितामह भीष्म के पास आई और कहा शाल्व नरेश ने मुझे ना कहा है, अब तुम मेरे साथ शादी करो। पितामह भीष्म ने कहा मेरी तो प्रतिज्ञा है, मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अंबा कहीं की नहीं रही। बार बार पितामह भीष्म को मनाया, वो मान नहीं रहे हैं। तब अंबा ने सोचा कि ये नहीं मान रहा है तो उसके काउंसलर के पास जाऊंगी। उनके गुरु बोले नहीं करोगे तो सावधान हो जाओ, मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। पितामह भीष्म ने कहा मंजूर है, शादी करने के बाद रोज युद्ध करने से अच्छा एक बार आपके साथ कर लूं। मन में ऐसा ही सोचा होगा, रोज रोज युद्ध करने से अच्छा एक बार आपके साथ रणभूमि में ही कर लूं लीगली। पितामह भीष्म और परशुराम जी के बीच में धमासान युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध, धमासान, कोई रिजल्ट नहीं आया। आकाश में देवता लोग आए, हाहाकार मच गया, बोले ये क्या हो रहा है। 1000 वर्ष तक पितामह भीष्म और परशुराम जी का युद्ध चला। देवता लोग तो आनंद ले रहे थे, वाह अरे मार, मैं बैठा हूं ना, मार उसे। देवताओं को बहुत आनंद आता है इसमें। वहां गजेंद्र और ग्राह का युद्ध हो रहा था, वहां भी देवता आए थे। संसार में भी कभी कभी रास्ते में किसी का झगड़ा होता है तो कुछ लोग खड़े रह जाते हैं, बहुत मजा लेते हैं। तो देवता लोग आए युद्ध देखने के, लेकिन साधु जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, उसी समय वहां पर नारद मुनि आए और नारद मुनि ने दोनों को अलग किया। बोले गुरु चेले झगड़ रहे हो, अंबा का जो होना है होगा, लेकिन आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो नारद मुनि ने कैसे भी करके, हरे कृष्णा कम हो गया,
होने का कवच टूट गया। कृष्ण के शरीर को अनेकों बाण भेद दिए, कृष्ण के शरीर से खून की धारा बहने लगी। परंतु आज भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को बचाने के लिए पूर्ण स्फूर्ति में प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण हाथ में चक्का उठाकर पितामह भीष्म को जैसे ही मारने लगे, पितामह भीष्म ने अपने हाथों से अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया और भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म को गिराया। और उसी समय कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन मेरा आदेश है पितामह भीष्म के शरीर को अनेकों बाणों से बींध डालो। और उस समय मौका पाकर अर्जुन ने पितामह भीष्म के शरीर में सैकड़ों बाणों की बौछार कर दी और उस समय महाभारत का महान वीर जैसे आकाश से पहाड़ गिरे, वैसे महाभारत का महान वीर पितामह भीष्म इस कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर धराशायी हो गया। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। निकले थे पांडवों को मारने के लिए, खुद शरसैया पर सो गए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा, इसलिए महाराज परीक्षित को कहना पड़ा, पिता महामे समरे मरंजये देवव्रता आदि रथे स्तिमिंगले। पितामह जैसे बहुत बड़े योद्धा हमारे पांडवों को मारने के लिए आए हैं, लेकिन धन्य है कृष्ण की कृपा, जिनकी कृपा से हमारे पितामह बच गए। केवल पितामह भीष्म ही नहीं, अनेकों योद्धा, गुरु द्रोणाचार्य, कौरव और पांडव सबके गुरु हैं, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य वहां पर खड़े थे। और महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य एक ऐसे पात्र थे कि वो कैसे मरेंगे कोई नहीं जानता था। सबको मारने में कुछ ना कुछ प्लान था, लेकिन द्रोणाचार्य को मारने का क्या प्लान कोई नहीं जानता। ये फास्टर बॉलिंग से आउट होंगे या स्पिन करके आउट होंगे या मीडियम पेस डालकर, कोई नहीं जानता था। द्रोणाचार्य की मृत्यु का ज्ञान किसी को नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन युधिष्ठिर महाराज को ही कहा कि महाराज आप जाओ अपने गुरुजी के पास और अपने गुरुजी के पास जाकर प्रणाम करना, वे आशीर्वाद देंगे और कहेंगे वत्स जो चाहिए वो मांग लो, तो उसे पूछ लेना गुरुजी आप मरेंगे कैसे जरा ये बता दीजिए। भगवान कृष्ण भी बहुत प्लान लगाते हैं। गए युधिष्ठिर महाराज, प्रणाम किया, अर्जुन ने, गुरुजी समझ गए कृष्ण ने ही भेजा लगता है, ये कृष्ण की करतूत है, वत्स मुझे कोई नहीं मार सकता, हाँ मेरे पुत्र में बहुत आसक्ति है। पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। जिस दिन मैं सुनूंगा कि मेरा पुत्र मारा गया, उस समय मेरी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, उस समय मुझे कोई भी मार सकता है। उपाय तो मिल गया, ये लोग वापस आए और कृष्ण को बताया अश्वत्थामा मरेगा तो अब अश्वत्थामा को कैसे मारे, ये प्लान भी पांडवों के पास तो था नहीं। कृष्ण ने कहा, सब पूरी मीटिंग बैठी थी, कृष्ण का एक प्लान है, हम एक हाथी को खरीदते हैं, दो तीन दिन उसको पालते हैं और उसका नामकरण करते हैं अश्वत्थामा और फिर उस हाथी को मार डालते हैं। हाथी को तो मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर ऐसी बात उड़ाएंगे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य को पता चलेगा अश्वत्थामा मारा गया, तब सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, धनुष बाण छोड़ देंगे और उस समय अर्जुन तुम उसे मार डालना, रेडी? बोले रेडी, सब लोग तैयार। युधिष्ठिर महाराज थोड़े चुपचाप बैठे थे क्योंकि धर्मराज थे, सत्यवादी थे, कृष्ण को पता था ये गड़बड़ करेगा। बोले महाराज क्या सोच रहे हो, मैं कह रहा हूं कि जब कोई, मुझे पता है कि जब ये बात फैलेगी अश्वत्थामा मारा गया, तब द्रोणाचार्य सबको छोड़कर युधिष्ठिर महाराज तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य को हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं, तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि मेरा युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। तब युधिष्ठिर जी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि उस समय जब द्रोणाचार्य जी पूछे अश्वत्थामा मारा गया तो सीधा बोल देना हाँ मारा गया। देखिए कृष्ण ने कह दिया कि बोल देना मारा गया, और ऐसा ही हुआ भक्तों, हाथी को लाया गया, पाला गया, मारा गया
और युद्ध करते 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 ऐसी खबर फैलाई गई, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य के कान में बात गई, अच्छा अश्वत्थामा मारा गया। ये कंफर्म करने के लिए द्रोणाचार्य जी अपना रथ अर्जुन के युधिष्ठिर महाराज के सामने लाए और युधिष्ठिर महाराज को पूछे कि बेटा अश्वत्थामा मारा गया, मुझे और किसी के ऊपर विश्वास नहीं, तुम बताओ अश्वत्थामा मारा गया। अब कृष्ण ने कहा था सीधा बोल देना मारा गया, लेकिन ये ठहरे सत्यवादी, बोले अश्वत्थामा मारा तो गया लेकिन नरोवा कुंजरवा, नर मारा मनुष्य मरा या कुंजर माने हाथी, अश्वत्थामा मारा गया ये तो कंफर्म है लेकिन नर मरा या हाथी मरा ये कंफर्म नहीं है। ऐसा वर्णन है, इतना बोलते ही युधिष्ठिर महाराज का रथ भूमि से नीचे आ गया। सत्यता के कारण, सत्य के ऊपर अड़ग रहने का के कारण युधिष्ठिर महाराज का रथ जमीन से एक फुट ऊपर चलता था, लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज ऐसा बोल दिए तब उसका रथ नीचे आ गया। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज झूठ बोले ना, क्योंकि पता था उनको कौन मारा गया, लेकिन थोड़ा सा झूठ बोल दिए, नर मारा गया कि हाथी मारा गया मुझे नहीं पता है, इसलिए उनका रथ नीचे आ गया। ये बिल्कुल गलत बात है। युधिष्ठिर महाराज झूठ बोले इसलिए उनका रथ नीचे नहीं आया, युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण की बात का पालन नहीं किया इसलिए उसका रथ नीचे आ गया। इस संसार में कितना भी झूठ हो लेकिन भगवान के मुख से निकल गया तो उसे धर्म माना जाता है। कृष्ण ने जो बोल दिया धर्म प्रणी वेद प्रणी हितो धर्म, कृष्ण के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द धर्म, और उनका पालन नहीं करने वाला असत्य का भागी होता है। तो उस समय द्रोणाचार्य की शक्ति क्षीण हो गई और अर्जुन ने द्रोणाचार्य को भी मार डाला। ये महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की सभा में याद करा रहे हैं कि इस प्रकार कृष्ण की कृपा से हमारे दादा पितामह की रक्षा हुई। इतना ही नहीं, महाभारत के युद्ध में कर्ण जैसे योद्धा थे। एक कवि ने कहा है कि कर्ण जो वास्तव में कुंती का पुत्र था, सूर्य के अंश जिसका जन्म हुआ था, लोक लज्जा के कारण देवी कुंती ने उसे छोड़ दिया था और वो अपने आप को सूत पुत्र मानता था। सूर्य के अंश पांडवों का अग्रज ज्येष्ठ पुत्र कर्ण में इतनी ताकत थी भक्तों कि अकेला कर्ण पांडवों को चने की तरह चबा दिया होता यदि भगवान कृष्ण उनके पक्ष में ना होते। कर्ण के जीवन में अनेकों दुर्घटना आई, परशुराम जी ने श्राप दे दिया। परशुराम जी के श्राप देने के बाद भी कर्ण की भुजा में बहुत ताकत थी। कर्ण के पास पांच बाण थे और दुर्योधन को दिखाया था, दुर्योधन मित्र चिंता मत करो, ये पांच बाणों के ऊपर पांचों पांडवों के नाम लिखे हैं, पांचों पांडवों को मार डालो। ये बात कृष्ण को पता चली, इसको सारी बात पता चल जाती है, बाकी सब लोग सोते रहते हैं और ये सब जानते, रात भर जगते रहते हैं। रात को कहा कर्ण ने कि मेरे पास पांच बाण हैं, इस पांचों बाणों से पांडवों की हत्या होगी। कृष्ण को पता चला, कुंती को कहा कि बुआ जी अब समय आ गया है, तुम कर्ण को जाके बता दो कि तुम उनकी माँ हो, और जब तुम बताओगे तुम उनकी माँ हो तो तुम्हारे चरणों में गिर जाएगा और कहेगा माँ मैं क्या सेवा करूं, वो पांचों बाण मांग लेना, नहीं तो ये लोग मरने वाले हैं। कुंती गई और सारा भेद बताया। कर्ण ने कहा माँ मैं आज तक कुछ सेवा नहीं कर पाया, क्या सेवा करूं। बोले बेटा वो पांच बाण जो है ना वो दे दे मुझे। फिर भी कर्ण के पास एक बाण था जिस बाण का नाम था एक अग्नि। कहा दुर्योधन चिंता मत करो, इस बाण से मैं अर्जुन को मारूंगा। ये बात भी कृष्ण को पता चल गई कि और एक बाण छुपा कर रखा है। ये बड़े बड़े देवता अमोघ बाण थे जो कभी विफल नहीं हो सकते हैं, और भगवान को भी उन बाणों की मर्यादा रखना आवश्यक होता है, इसलिए उस बाणों की ही शक्ति को भगवान काट नहीं सकते।
अब और एक एकग्नि नाम का शस्त्र था कर्ण के पास, क्या करे। और उस समय रातों रात भगवान ने भीम पुत्र घटोत्कच को उपसाया, अपनी बातों में बिल्कुल चुंगल में ले लिया है? और कहा तुम्हारे पिता के साथ ये सब लोग अन्याय कर रहे हैं, ये सब युद्ध कर रहे हैं और तुमको शोभा दे रहे हैं, खड़े हो जाओ रातों रात मार दो सारी सेना को, तुम कहां टीम में हो। महाभारत के युद्ध का नियम है कि संध्या के बाद युद्ध नहीं करना है और सुबह 9-12 बजे के बाद युद्ध करना है, लेकिन जो टीम में है उनके लिए नियम है, तुम्हारे लिए क्या नियम है? टीम वाला नियम तोड़ता है तो टीम में निकाल दिया जाएगा, लेकिन जो टीम में है ही नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है? तुम तो टीम में नहीं हो, रातों रात युद्ध करो और मार डालो सबको। घटोत्कच रातों रात युद्ध करने लगे और दुर्योधन की सारी सेना का विध्वंस करने लगे। दुर्योधन जग गया, सारी सेना मर रही है, जा रही है। दुर्योधन कर्ण के पास गया, कर्ण वो जो एक बाण दिखाया था एक अग्नि, तुम उससे इस घटोत्कच को मार डालो। बोले नहीं, वो तो मैंने अर्जुन के लिए रखा है। बोले कल सुबह होगी तो तू अर्जुन को मारेगा, ये रात को ही समाप्त कर देगा, है? तुम जल्दी इसे मारो। तो मित्र दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने वह एकग्नि नाम का बाण घटोत्कच के ऊपर मार दिया और कर्ण बिल्कुल खाली हो गया। फिर भी कर्ण की भुजाओं में इतनी ताकत थी भक्तों, महाभारत में वर्णन है कि एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण का रथ जिस पर अर्जुन सवार थे, युद्ध करते हुए कर्ण के साथ सामना हुआ। एक और दोनों भाई, वैसे देखा जाए तो दोनों कुंती के पुत्र, और कर्ण तो बड़े थे ना, दानवीर थे, कवच कुंडल धारी कर्ण बड़े शक्तिशाली थे। अनेकों दुर्घटना हुई लेकिन फिर भी उनकी भुजा में अत्यंत ताकत थी। अर्जुन और कर्ण के बीच में घमासान युद्ध हुआ और युद्ध करते करते कर्ण ने एक बाण सर्प के समान अमोघ बाण निकाला। जो बाण कभी विफल नहीं हो सकता है, ऐसा अमोघ बाण कर्ण ने अपने धनुष के ऊपर चढ़ाया और उस धनुष की प्रत्यंचना वेदव्यास जी लिखते हैं कर्ण ने अपने कान तक खींच ली। धनुष की प्रत्यंचना को खींचा और अर्जुन के गले का निशाना लिया। अर्जुन के गले का निशाना लेकर कर्ण ने वो अमोघ बाण छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया कि कर्ण का ये बाण आज अर्जुन के धड़ से मस्तक को अलग करने वाला है, इतनी स्फूर्ति से बाण आ रहा है। और उसी समय भगवान ने देखा अर्जुन कुछ नहीं कर पा रहा है, उसी समय भगवान ने अपनी मुष्टिका बनाई और अपनी मुष्टिका चारों घोड़ों के ऊपर मारी। घोड़े घुटना टेक दिए, वह रथ 1 फुट नीचे हो गया और जो बाण कर्ण का बाण अर्जुन के गर्दन को लेकर उड़ने वाला था वो अर्जुन के मुकुट को लेकर उड़ गया और अर्जुन की रक्षा हो गई। श्री कृष्ण चंद्र भगवान जय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए परीक्षित को कहना पड़ा पिता महा में समरे मरंजये। उस समर, उस रणभूमि, उस युद्ध में अनेकों योद्धा थे हमारे पितामह को मारने के लिए। चारों दसों दिशाओं से आक्रमण हो रहा था, लेकिन धन्य है कृष्ण जिनकी कृपा से हमारे पितामह बच गए, भगवान श्री कृष्ण। ये जितनी भी घटना हुई ना, तो सारी घटना में जेन्युइनली भगवान ने सबको मरवाया, लेकिन कुछ ऐसी घटनाओं में कृष्ण को चीटिंग भी करना पड़ा। ये तो सब नीति के अनुसार सबको मारा, लेकिन भगवान ने देखा कि अब मेरे भक्त मरने वाले हैं, तो भगवान ने अनीति भी कर लिया। इसलिए पितामह भीष्म मरते समय भगवान श्री कृष्ण को जब स्तुति करते हैं, तब स्तुति करते हुए कहते हैं विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे घृत हय रश्मिनी तचिये क्षणीये विष्णु कहते हैं विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे घृत हय रश्मिनी तचिये क्षणीये भगवती रतिर सुमेर मुमूर्षो यमिह निरीक्षहतागता स्वरूपम भगवती रतिर तुमे मुमूर्षो यमिह निरीक्षहतागता
स्वरूपम। पितामह भीष्म कहते हैं, हे कृष्ण, कृष्ण ये लोग क्या जाने, और अर्जुन को भी क्या पता, क्योंकि अर्जुन तो तुम्हारे पीछे खड़ा रहता था। बस अर्जुन ने तो पूरे युद्ध में तुम्हारी पीठ को ही देखा, मैं फ्रंट से देख रहा था कि तुम क्या क्या कर रहे थे, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा था। मुझे पता है, मुझे याद है कि उस महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ तुम्हारे कुटुंब के समान था। विजय, अर्जुन का एक नाम है विजय, विजय का रथ आपके लिए कुटुंब के समान। जैसे एक आदमी अपने कुटुंब का भरण पोषण करता है, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, कभी अनिति भी करना पड़ता है तो कर लेता है, लेकिन कुटुंब का भरण पोषण करता है। वैसे ही कृष्ण अनिति करके भी विजय अर्जुन के रथ की रक्षा करते थे। जैसे आजकल के आप कार चलाने वाले ड्राइवर को देखा होगा, उसका जीवन ही कार होता है, वो कार में ही बैठता है, कार में ही खाता है, बस कार को ही साफ करते रहता है, उसी को चलाता है। कृष्ण उसी प्रकार अर्जुन के रथ को चलाते थे। और अच्छा ड्राइवर किसे कहा जाता है जानते हैं? मालिक को लेट हो रहा है और मालिक को जल्दी पहुंचना है, ट्रैफिक जाम है और बाजू में वन वे है, तो उस समय जो कार का ड्राइवर रिस्क लेकर भी रॉन्ग साइड से चलाकर अपने मालिक को समय से पहुंचा देता है, वो ईमानदार ड्राइवर माना जाता है। यदि ट्रैफिक पुलिस उसे पकड़ेगा तो लाइसेंस ड्राइवर का जाएगा, लेकिन अपने ऊपर सारा रिस्क लेकर अपने मालिक का ध्यान रखता है, उसे अच्छा ड्राइवर माना जाता है। कृष्ण कुछ ऐसे ही थे। क्या किया, क्या अनिति किया कृष्ण ने? एक तो कर्ण के साथ अनिति किया, रथ चलाने वाले को कुछ नहीं करना था, फिर भी उसने घोड़ों को नीचे बिठा दिया और रथ को नीचे ले गए। और महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण कभी कभी अपने रथ को रॉन्ग साइड में चलाते थे। कैसे, क्यों, इसका प्रसंग आया है। महाभारत में कौरवों की सेना में एक योद्धा था जिसका नाम था भूरिश्रवा। ये लोग रोज रात को मीटिंग करते थे, कौरव और पांडव अपने अपने स्थान पर। पांडवों ने मीटिंग किया, कोई मर नहीं रहा है। तब दुर्योधन को याद आया, भूरिश्रवा, यार तुम भूल गए, तुम्हारे पास वह दिव्य गदा है, आखिर कब काम आएगी। भूरिश्रवा के पास एक गदा थी, कैसी गदा थी सुनिए ध्यान से। भूरिश्रवा ने शिव जी की उपासना की, शिव जी को प्रकट कर लिया। शिव जी ने कहा, जो चाहिए वो मांग लो। भूरिश्रवा ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, वो आगे चलकर बहुत युद्ध करना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए कि मैं जिसको मारूं वो मर जाए और उससे युद्ध ना करना पड़े, जिसका नाम लेकर मैं उसके ऊपर छोड़ूं उसे मारकर ही वापस आए। तो उसी समय भोलेनाथ जी ने एक गदा प्रकट की और भूरिश्रवा को दे दी। ले भूरिश्रवा, इस गदा से तुमको युद्ध नहीं करना है, बस नाम लेकर, निशाना लेकर गदा को छोड़ना है। निशाना लेकर जैसे ही गदा को छोड़ेगी उसको मारकर वापस आएगी। लेकिन ध्यान रहे, जो आदमी ने युद्ध में भाग नहीं लिया है उस पर यह गदा मत छोड़ना। जिस आदमी ने युद्ध में भाग लिया है, जिसके पास अस्त्र शस्त्र है, उसी के ऊपर गदा छोड़ना, अन्यथा वह गदा तुमको ही मार डालेगी। कोई बात नहीं। तब दुर्योधन ने याद कराया, बोले भूरिश्रवा तुम्हारे पास तो वह गदा है, कल तुम अपनी गदा का प्रभाव दिखाओ, और किसी के ऊपर नहीं, अर्जुन के ऊपर, हमको अर्जुन को ही मारना है, तुम अर्जुन को मार देना, बाकी के साथ हम लोग लिपट लेंगे। दूसरे दिन भूरिश्रवा के सामने भगवान कृष्ण का रथ, और भगवान जान गए कि इसके पास वो शिवजी वाली दिव्य गदा है। तो भूरिश्रवा निशाना लेता था और जैसे ही छोड़ने जाता था, कृष्ण अपने रथ को रॉन्ग साइड में लेकर चले जाते थे और निशाना चूक जाता था बेचारा, सिर खुजाने लगता था, यार आधे घंटे से निशाना लिया और जब छोड़ने गया तो ये कृष्ण रॉन्ग साइड में लेकर गए। अब दूसरी बार भूरिश्रवा निशाना लेता था और जैसे ही निशाना लेकर छोड़ने जाता था, कृष्ण अपने रथ को ऊपर लेकर चले जाते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। भूरिश्रवा ने बहुत निशाना लेते लेते ये हाथ दुखने लगा, सुबह से निशाना ले रहा था, शाम हो गई लेकिन बेचारा निशाना ही नहीं ले पाया। कृष्ण ने निशाना, अर्जुन तो समझ नहीं रहा था ये क्या हो रहा है।
कृष्ण बस उस रथ को कैसे ही करके कभी राइट में कभी लेफ्ट में चला रहे थे। बुरी श्रवा को क्रोध आया। गीता में कृष्ण ने कहा है ना, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जब किसी व्यक्ति को क्रोध होता है ना, तो उसकी स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती, वो भूल जाता है। तो कृष्ण ने बहुत बार निशाना चुकाया, संध्या हो गई और संध्या होती इसको क्रोध आया कि ये कृष्ण पूरा दिन मुझे मेहनत कराया, इतना क्रोध आया भूल गया, और कृष्ण के ऊपर क्रोध आया और इसने कृष्ण के ऊपर गदा को छोड़ दिया। जब कृष्ण का निशाना लेकर गदा छोड़ा, तब कृष्ण ने रथ को सीधा खड़ा कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया है उसके ऊपर ये गदा छूटेगी तो छोड़ने वाले को ही मारेगी। कृष्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, उसके पास अस्त्र शस्त्र था नहीं, तो इसने जब क्रोध में आकर कृष्ण के ऊपर गदा को छोड़ दिया, वह गदा रिबाउंस होकर उसी के भूरी श्रवा के ऊपर गिरी और भूरी श्रवा ही मर गया। तो इस प्रकार पितामह भीष्म कहते हैं कि मुझे उस कृष्ण की कथा सुनाइए जिस कृष्ण की कृपा से, जिस कृष्ण की कृपा से मेरे पितामह बार बार बच गए, बार बार। ऐसे करते 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 हैं भगवान श्री कृष्ण ने 99 भाइयों को मरा डाला। 100 कौरव थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, 99 मर गए, और अब एक पुत्र बाकी रहा, वो था दुर्योधन। और भीम का प्रण था कि दुर्योधन को मैं ही मारूंगा, इसलिए मल युद्ध, गदा युद्ध हुआ। जब गदा युद्ध करने जा रहा था, गांधारी को पता चला दुर्योधन कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तू नग्न होकर निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आना। दुर्योधन निर्वस्त्र होकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त से जा रहे थे। यदि दुर्योधन गांधारी के पास पहुंच गए होते हैं तो गांधारी अपनी आंख की पट्टी खोलने वाली थी, दुर्योधन को लोहे का बना देती थी, वज्र के समान। फिर दुर्योधन को कोई नहीं मार पाता, सब लोग वहां सो रहे थे और दुर्योधन निर्वस्त्र होकर मां के पास। कृष्ण को बात पता चल गई, वेदा हम समती तानी, तुरंत दौड़ कर वहां रास्ते के बीच में जाकर खड़े रहे। और दुर्योधन निर्वस्त्र होकर जा रहा था, भगवान कृष्ण ऐसा नाटक किए, दुर्योधन को लज्जा आ गई। बोले ये क्या महाराज, ये क्या हो गया आपको? माँ ने कहा है कपड़े पहने बिना आना। अरे माँ तो माँ होती है, वो तो वात्सल्य में होती है, तू बूढ़ा हो गया अभी, तेरे में ज्ञान है, कम से कम चड्डी पहन के तो जा। बोले अब चड्डी कहाँ लेने जाऊं, वो तो घर पे है। बोले केले का झाड़ है, केले का पत्ता पहन ले। कैसे भी करके कृष्ण ने केले का पत्ता पहना दिया और दुर्योधन गए अपनी माँ गांधारी के पास। गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली, दिव्य तेज, पतिव्रता धर्म के कारण गांधारी की आंखों में दिव्य तेज था, और वो दिव्य तेज जब उनकी आंखों से निकला, दुर्योधन पूरा वज्र का हो गया, लेकिन जहां वो केले का पत्ता पहना था वो वज्र का नहीं हो पाया। गांधारी ने जब आंखें खोली तो अफसोस करने लगी, जीवन भर तो मेरी बात नहीं मानी, मरते मरते तो मेरी बात माना होता, और ये बेचारा मरते मरते बात मान रहा था लेकिन कृष्ण ने नहीं मानने दिया। तो इस प्रकार से ये पूरा वज्र का हो गया, लेकिन उतना भाग बच गया। और जब वो भीम के साथ युद्ध होने लगा, वहां पर भी छल कपट किया। भीम और दुर्योधन दोनों युद्ध कर रहे थे, भीम बहुत मार रहे थे लेकिन दुर्योधन नहीं मर रहा। तब कृष्ण ने इशारा किया कि भीम उसको जंघा के ऊपर मारो, बाकी सब तो वज्र का हो चुका है, मैंने जंगा को छुड़वा दिया है कैसे भी करके। भीम को पता चल गया कि इसका वीक पॉइंट जंगा ही है। भीम की सारी गदा का प्रहार जंगा के ऊपर करते करते जंगा को तोड़ दिया, और अंतिम महाभारत के युद्ध में अंतिम वीर दुर्योधन का वध हो गया और पांडवगण हस्तिनापुर के राजा बन गए। वास्तव में वह राज पांडु का ही था, राजा पांडु का ही राज था, क्योंकि वही राजा थे। 2 महीने के लिए लीव लेकर गए थे जंगल में फ्रेश हवा खाने के लिए, और जब जंगल में गए तो बड़े भाई धृतराष्ट्र को कहकर गए, भैया तुम 2 महीना जरा ये सीट संभालना और मैं जब आऊँगा तो मैं वापस संभाल लूँगा। तो बस धृतराष्ट्र बैठे तो बैठे,
क्या कहते हैं फेविकोल, उखड़े ही नहीं सीट से, बहुत लोगों ने उखाड़ने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र जी पकड़ लिए सीट को। यद्यपि हस्तिनापुर का राजा पांडु और पांडु का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर ही था, छल कपट करके ये लोग प्राप्त किए थे, भगवान ने सबको मरवा दिया। तो इस प्रकार जिस कृष्ण की कृपा से हमारे पितामह पांडव रणभूमि में विजयी हुए, उस कृष्ण की कथा सुनाइए। दुरत्यय कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरम वत्स पदम स्मयत्प्लवा। उस कृष्ण की कृपा से हमारे पितामह इस दुरत्रे सैन्य सागर को, एक छोटे से खड्डे को कोई आराम से खेलते खेलते पार करता है वैसे पार कर गए। अब तक तो परीक्षित महाराज ने लोगों से जो सुना था, अपने परिवार का विषय में जो सुना था, सुनी हुई महिमा का वर्णन किया। अब तक महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण कथा की सुनी हुई महिमा का वर्णन किए, परंतु अब महाराज परीक्षित अपने आंखों से देखी हुई कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं। द्रोणास्त्र विप्लोष्ट मेदम मदं संतान बीजं कुरु पांडवा जुगोपकुक्षिं गत आत चक्रो मातुश्च मेय शरणं गताय। हे सुखदेव गोस्वामी, उस कृष्ण की कृपा से मेरे पितामह तो बचे, परंतु आज जो मैं आपके सामने बैठा हूं ना, द्रोणस्य विप्लुष्ट मिदम मदंगम इदम इदम मत अंगम, उंगली दिखाकर हाथ दिखाकर कहते इदम, ये जो मेरा शरीर है ना सुखदेव गोस्वामी, ये मेरा शरीर उसी कृष्ण का प्रसाद है। इदम अंगम, ये मेरा शरीर जल चुका था, ये मेरा शरीर मर चुका था। द्रोणी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से मैं मेरी मां उत्तरा के गर्भ में मर ही चुका था, लेकिन धन्य है कृष्ण, जिस कृष्ण ने मेरी मां के गर्भ में मेरी रक्षा की, मुझे उस कृष्ण की कथा सुनाई है। बहुत सुंदर श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिखते हैं द्रोणी, यहां पर अश्वत्थामा को द्रोणी क्यों कहा गया, भाव ये है अश्वत्थामा अपने पिता के मृत्यु का बदला लेना चाहता था। अश्वत्थामा मारा गया, बोले मैं तो मरा ही नहीं था और ये लोग झूठ बोलकर मेरे पिता को मार डाले। तो द्रोणी अपने पिता द्रोणाचार्य का बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों के ऊपर और 1 ब्रह्मास्त्र कौरव और पांडवों का अंतिम वंशधर परीक्षित के ऊपर। यहां पर अब थोड़ी सी श्लोक के ऊपर चलते हैं। दूसरी लाइन में लिखे हैं संतान बीजम कुरु पांडवा नाम। महाराज परीक्षित कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा 5 पांडवों के ऊपर और अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं कौरव और पांडवों के बीज को नष्ट कर डालूंगा, अर्थात इस कुल के किसी आदमी को जीवित नहीं रहने दूंगा। तो परीक्षित संतान बीजम, परीक्षित संतान है, बीज है किसके, कुरु और पांडव दोनों के। अब विचार किया जाए तो परीक्षित तो पांडवों के ही बीज है ना, पांडवों के ही वंशधर है, कौरव का तो कोई अलग ही है। तो कौरव और पांडव दोनों के बीज क्यों कहा गया, दोनों का संतान क्यों कहा गया परीक्षित को? तो आचार्य गण लिखते हैं क्योंकि कौरव में से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं था और आगे चलकर कौरवों का तर्पण, श्राद्ध, अंत्येष्टि क्रिया, पिंडदान, ये सब कुछ महाराज परीक्षित ने किया। महाराज परीक्षित ने अपने पिता पांडव और कौरव का उद्धार करने के लिए श्राद्ध आदि क्रिया की, इसलिए उनको संतान बीजम कहा गया। तो अश्वत्थामा को इतनी ईर्ष्या थी
कि पांच पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया और मेरी माँ उत्तरा के गर्भ में मैं था, मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र। उस समय भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए तैयार हो चुके थे, रथ पर बैठे थे, बस आज्ञा देने की जरूरत थी। उत्तरा को पता चला ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है। उत्तरा दौड़ती दौड़ती कृष्ण के शरणों में आई, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते नान्यम त्वदवयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाही माम हे कृष्ण आप मेरी रक्षा करो, कृष्ण आप हमारी रक्षा करो। क्या हुआ? बोले अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, आप मेरी रक्षा करो। मानो कृष्ण कहे उतना अब तुम जीवो या मरो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पति तो रणभूमि में मर चुके हैं। उत्तरा के पति का नाम था अभिमन्यु, ये अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। बोले तुम्हारे पति रणभूमि में मर गए और जिनका पति जीवित नहीं है वो पत्नी जिए या मरे क्या अंतर है, क्योंकि जिए बिनु देह नदी बिन वारी ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं होती है, प्राण के बिना यह देह कुछ काम का नहीं होता है, वैसे पति के बिना पत्नी कुछ काम की नहीं रहती। क्या अंतर है, तुम मर भी जाओ तो क्या अंतर। भगवान तब देवी उत्तरा ने बहुत सुंदर बात बताई। उत्तरा कहती अभी द्रविति मामीश मामे गर्भोनी पात्यताम, हे कृष्ण मैं भले मर जाऊं, मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ में जो बालक है उनकी रक्षा कीजिए। मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरा गर्भ नहीं मरना चाहिए। ये आर्य वर्ष की नारी भक्तों, भारत वर्ष की नारी भगवान को प्रार्थना कर रही है, मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ के ऊपर एक खरोच नहीं आनी चाहिए। और आज की नारी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, काम वासना में मोहित होकर पुरुष के साथ संग करते हैं और जब गर्भ रहता है तो गर्भपात कराते हैं। भारत की यह संस्कृति है कि खुद मरने के लिए तैयार, परंतु अपने गर्भ को एक नारी कभी नहीं मरने देती है, लेकिन आज की नारी खुद जीने के लिए अपने गर्भपात करा देती है। यह गर्भपात बहुत बड़ा पाप है, इसे बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। कृष्ण ने कहा उत्तरा तुम मेरे पास क्यों आ रही हो, तुमको यदि रक्षा ही चाहिए तो पांडवों के पास जाओ, अभी अभी रणभूमि में विजय होकर आए, बिल्कुल एक्सपीरियंस अनुभवी योद्धा है, और मैं तो बांसुरी बजाने वाला, मैं करूंगा तो क्या करूंगा, तुम रक्षा चाहते हो तो पांडवों के पास जाओ। तब देवी उत्तरा ने बहुत सुंदर बात बताई, बोले प्रभु प्रभु मैं मानती हूं कि ये पांडव एक सेकेंड में 10,000 लोगों को मार सकते हैं, ये पांडव यत्र मृत्यु परस्परम एक दूसरों को आपस में मार सकते हैं, लेकिन मरे हुए को जीवित करने का काम तो एकमात्र आप कर सकते हैं। अभय प्रदान करने का काम एकमात्र आप कर सकते हैं। भक्त इस संसार में है, मरे हुए को भी यदि कोई जीवित करते हैं तो वह है भगवान कृष्ण। फिर वो सांदीपनी मुनि का पुत्र हो या द्वारिका के ब्राह्मण का पुत्र हो या समुद्र मंथन के प्रसंग में देव और दानव क्यों न हो, मरे हुए को जीवित कृष्ण ही कर सकते हैं। हम और आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं यहाँ इतने मारे गए, आतंकवादी ने इतने को मार डाला, इतने को हार्ट अटैक आ गया, लेकिन कभी आपने ये सुना कि एक आदमी मर गया था और 2-3 जन गए और मंत्र मारकर उनको जीवित कर दिए। मरे हुए को जीवित कोई नहीं कर सकता, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। भक्तों कृष्ण मरे हुए को भी जीवित कर देते हैं, इसलिए मृत्यु के भय से यदि बचना चाहते हैं तो कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए। ये मृत्यु जो है हम सबके जीवन में आने वाली, हम सब लोग एक ना एक दिन मरने वाले हैं। महाभारत के प्रसंग में यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को 100 प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न था किम आश्चर्यम, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया
अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषा स्थावर निच्छन्ति किम् आश्रयम् यतः परम। इस दुनिया में हजारों हजारों लोग मर रहे हैं, हमसे बड़े मर रहे हैं, हमसे छोटे मर रहे हैं, आजू बाजू ऊपर नीचे वाले सब लोग मर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आदमी कभी ऐसा नहीं सोचता है कि मुझे भी एक ना एक दिन मरना है, मैं मरने की तैयारी कर रहा हूं, मुझे भी एक दिन, कोई मरने की तैयारी। श्री प्रभुपाद जी बहुत कड़े शब्दों में लिखते हैं कि संसार में आश्चर्य तो देखो, जो दीन जीवन में कभी नहीं आने वाला है उसके लिए सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग सपना देखते हैं कि मैं करोड़पति बनूंगा, और उसके लिए रात दिन ट्रेन में टंकर यहां से वहां यहां से वहां करते हैं, जीवन में कभी करोड़पति नहीं बनने वाले। कुछ लोग सोचते मैं अमेरिका जाऊंगा, जीवन में कभी नहीं जाएंगे, जो बात जीवन में कभी नहीं होने वाली है उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, और जो चीज जीवन में आने वाली है मृत्यु, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करता है। जो ध्रुव जो अटल सत्य है कोई मेहनत। कई बार लोग कहते हैं प्रभु ये कथा तो अच्छी है लेकिन ये मरने का नाम मत लो। एक मुसलमान कवि ने एक शेर लिखा, बोले सरकार आप मरने का नाम मेरे सामने मत लो, क्योंकि जब मैं मरने का नाम सुनता हूं, लिखा मरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो मरना बुरी बला है। मरने का नाम मत लो क्योंकि मरना बहुत बुरी बला है, और जब मैं सुनता हूं कि मुझे मरना होगा मेरी रूह कांप जाती है, आत्मा तड़प जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुंह सूख जाता है, मरना बहुत दुष्कर, एक दिन सबको मरना है। लेकिन भक्तों मृत्यु के भय से यदि मुक्त होना है तो भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। हम लोग ये नहीं करते, हम लोग बस पैसे का भजन करते हैं, पैसा पैसा लक्ष्मी। अब देखिए दिवाली आएगी सब लोग लक्ष्मी पूजा करेंगे, हम कहते हैं हमारे साथ यात्रा में चलो मायापुर, बोले नहीं प्रभु लक्ष्मी पूजा करनी है। लोगों का ऐसा मानना है कि रावण त्रेता युग में था और भगवान ने मार डाला, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, रावण आज भी है, रावण आज भी है, इस हॉल में बैठा है। जानना कौन है, आप लोग उत्तर देना, रावण ने क्या किया, फिर मैं आपको पूछूंगा रावण कौन, आप इसे उंगली करके दिखाना, रावण ने क्या किया, रावण ने भगवान को छोड़ दिया और भगवान की पत्नी का अपहरण करके लाया है ना, भगवान की पत्नी सीता, सीता किसका स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप, और राम नारायण के स्वरूप है। तो रावण की वृत्ति क्या है, नारायण को छोड़ो लक्ष्मी को लेकर आओ। हमारे पास कोई साधु संत आते हैं, ये माला वाला छोड़ो पैसे को लाओ है? सुबह से लेकर शाम तक नारायण को नहीं चाहते हैं, लक्ष्मी को चाहते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं, वो सब रावण, सब सब लोग रात दिन पैसे। लेकिन ये पैसे जो है मरने के बाद काम में नहीं आते। हां यदि धन कमाना ही है, है तो भगवान के नाम रूपी धन कमाओ, भगवान का नाम लेंगे भगवान निश्चित रक्षा करेंगे। शास्त्र में करोड़ों प्रमाण, अजामिल, अजामिल जीवन में इतना पाप किया विधाता की लेखनी समाप्त हो गई, इतना पाप किया अजामिल, लेकिन मरते समय अपने पुत्र के बहाने नारायण का भगवान का नाम क्या ले लिया, अजामिल नरक में जाने से बच गया, वैकुंठ प्राप्त कर गया मात्र भगवान का नाम लेने। अरे भगवान का नाम पत्थर पे लिख दो तो वो पत्थर भी तैरने लगता है, मनुष्य पत्थर का तो नहीं है, है? भवसागर से यदि तैर जाना है भगवान का नाम लिख दो अपनी जबान पर, हम तर जाएंगे भवसागर से। नाम की महिमा कहो कहां लगी, नाम बढ़ाई, नाम की महिमा कितनी, तब रामायण कार ने लिखा राम न सक ही नाम गुण गाई। अरे भगवान के नाम की महिमा कितनी हो तो भगवान भी नहीं जानते हैं।
भगवान भी भ्रम में पड़ जाते हैं, मेरे नाम की इतनी महिमा, क्योंकि विचार करो भगवान ने कितनों को तारा और भगवान के नाम ने कितनों को तार दिया है? इसलिए यदि कमाना ही वास्तविक धन कमाना है तो भगवान का नाम रूपी धन कमाओ, कमाने की किसी को ना नहीं है, है? भगवान का नाम रूपी धन, इसलिए तो संत लोग गाते हैं ना, लूट लो जिसका दिल चाहे, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, जिन जिनने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, भगवान राम और कृष्ण के नाम रूपी मोती है? जिन जिन लोगों ने लूटे सब माला माल हो गए। भक्तों, हम भी एक दिन डायमंड का बिजनेस करते थे यहीं पर बाजू में पंचरत्न में, लेकिन डायमंड के बीच में रहकर भी कुछ नहीं था हमारे पास, लेकिन जब डायमंड को छोड़ा राम और कृष्ण के नाम को लिया पूरी दुनिया जानने लगी ये लाल गोविंद दास है। यदि कमाना ही है तो भगवान के नाम को कमाओ। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, जिन जिनने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए, धन दौलत के बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए, हाँ धन दौलत के बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए, धन दौलत के बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए, सोना चांदी माया वालो, सोना चांदी संत ने तो इतना ही लिखा है, लेकिन आज तो कहना पड़ेगा सोने वालों, चांदी वालों, कपड़े वालों, शेयर बाजार वालों, हैं सबको है? सोना चांदी माया वालों, सोना चांदी माया वालों, मैं समझाऊं घड़ी घड़ी, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, हाँ लूट लो जिसका दिल चाहे, तालियों के साथ, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली,
दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के कान खोल के सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। गालो गालो, जीवन में तो उतारना नहीं है, कम से कम गा तो लो। हाँ, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया, आज जिस काया को हम सजा रहे हैं, रोज सुबह जगते हैं, ब्रश करते हैं, शैम्पू लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, संवारते हैं, रात दिन बॉडी कॉन्शियसनेस रहते हैं, जिस काया को रात दिन संवारते हैं वह काया एक दिन चिता की राख बन जाएगी। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली, राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लुट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। प्रेम से राम के हीरे मोते मैं बिखराऊं गली गली। हाँ, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम। हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा नाम संकीर्तन की जय। हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा हरे हरे, हरे राम
जाए। द्रोण्यास्त्र विप्लुष्ट मिदं मदन संतान बीजं कुरु पांडवा जुगोपकुक्षिं गत आत चक्रो मातुश्च मेय शरणं गता। देवी उतरा याद तो रहता ना कहां परम कथा में थे कि फिर भूल जाते हैं। देवी उतरा दौड़ते दौड़ते भगवान श्री कृष्ण के पास आई। पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, ये देवताओं के भी देव है ईश्वर, आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। और उतरा के कहने पर उनकी प्रार्थना को सुनकर उस समय भगवान श्री कृष्ण बाहर से तो उतरा की रक्षा किए, परंतु एक दूसरे स्वरूप से उतरा के मुख से उतरा के गर्भ में चले गए। जाते हुए दो अस्त्र शस्त्र साथ में लिया, एक हाथ में गदा और एक हाथ में चक्र। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने में कितने स्फूर्तिले हैं। भगवान ने सोचा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को गदा से फेल कर दूंगा, और यदि गदा फेल हो गई तो चक्र काम में आएगा, लेकिन मेरे भक्त का बाल बांका नहीं होने दूंगा। इस प्रकार महाराज परीक्षित इस घटना को याद करा रहे हैं और इदम मत अंगम हाथों से उंगली के इशारे से दिखा रहे हैं कि इदम ये जो मेरा शरीर है, मत अंगम ये मेरे शरीर के अंग आज उस कृष्ण की कृपा से ही जीवित है, उस कृष्ण की कृपा से ही आज मैं जी रहा हूं, आपके सामने बैठा हूं, अतः मुझे उस कृष्ण की कथा सुनाइए। मन में प्रश्न हो सकता है, कृष्ण की ये सब महिमा, कृष्ण की ये कृपा जब वो थे तब हुई, आज तो वो हमारा रथ चलाने नहीं आएंगे, आज वे हमारी रक्षा करेंगे कि नहीं। उस बात को प्रकट करते हुए महाराज परीक्षित और एक श्लोक कहते हैं कि आज भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और जो भक्ति नहीं करते हैं उसको मारते रहते हैं। वीरयाणि तस्या खिल देह भार अंतर बहिर्पू रुष काल रूपे प्रयच्छतो मृत्युमृतामृतम च माया मनुष्य स्यवदस्व विद्वन। वीर्याणि तस्या अखिल देह बाजा अंतर बहिर पुरुष काल रूपे प्रयच्छतो मृत्युमृतामृतम च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को संबोधन देते हुए कहते हैं विद्वन, हे विद्वान, हे विद्वान सुखदेव गोस्वामी, आप वित्तवान, वैसे तो वित्त का अर्थ होता है पैसा, परंतु वास्तविक धन पैसा नहीं, वास्तविक धन ज्ञान और भक्ति है। सुखदेव गोस्वामी के पास ज्ञान और भक्ति होने के कारण उसे वित्तवान विद्वान कहते हैं। हे विद्वान, आप मुझे तस्य वीर्याणी वदस्व, तस्य तस्य माने उसके, वीर्याणी माने पराक्रम, वदस्व बोलो कहो सुनाओ। तो मानो पूछा जाए किसके पराक्रम को सुनाऊं, तब कहता है अखिल देह भाजा, जो भगवान अखिल समस्त देह के भीतर रहते हैं। वीर्याणी तस्य, वीर्य माने पराक्रम का वर्णन करो उसका, किसका, तो कहते हैं अखिल देह भाजा, जो अखिल सबके देह के भीतर परमात्मा के रूप में रहते हैं। भगवान के स्वरूप क्या है, कितने हैं, ये जानना अत्यंत आवश्यक, क्योंकि कुछ लोग झगड़ा करते हैं, कुछ लोग नारा लगाते हैं भगवान निराकार है, कुछ लोग कहते हैं साकार है, कुछ लोग कहते हैं मगजमारी मत करो, हम खुद ही भगवान हैं, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, हम सब भगवान हैं। कुछ लोग कहते हैं वो ज्योति हैं, कुछ लोग कहते हैं वो ब्रह्म है, ये है वो है, बहुत बहुत भगवान के विषय में बहुत बहुत बातें हैं।
लेकिन इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए सूद गोस्वामी कहते हैं, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्व यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्म इति भगवान इति शब्द से झगड़ा करने की जरूरत नहीं। भगवान एक है, सबका मालिक, तो इतने सारे भारत में क्यों है? जब नारा भी लगाते हैं, जानते भी हैं, लेकिन तो फिर इतनी सारी कंफ्यूजन क्यों? हम आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन अभी तो तत्व के ऊपर चर्चा हो रही है। भगवान एक है, लेकिन उस एक भगवान के तीन फेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक होती है लेकिन उसका तीन फेस होता है ना, तीन जब होल्डर डालते हैं तो तीन होल होते हैं, एक ग्रीन कलर का वायर होता है, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है, एक न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिक वाले जानते हैं इस बात को, इलेक्ट्रिसिटी एक है लेकिन उसके तीन फेस होते हैं, वैसे भगवान एक हैं, उनके तीन फेस, तीन रूप हैं। एक साकार रूप द्विभुज श्याम सुंदर के रूप में, जो साकार भुज के हैं भगवान के रूप में, वो वैकुंठ में रहते हैं। उसी भगवान का दूसरा स्वरूप जो है परमात्मा के रूप में है, इस संसार के सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, और वही भगवान ब्रह्म के रूप में इस संसार के कण कण में रहते हैं। भगवान एक ही है, वही भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में और जगत के कण कण में रहते हैं, इसलिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं, भगवान तीनों है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी इस सिद्धांत को बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में कुछ लोग भगवान को मात्र ब्रह्म मानते हैं, वो ज्ञानी तो है लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं। परंतु जो व्यक्ति भगवान को ब्रह्म और परमात्मा भी मानते हैं, वो उससे थोड़े ज्यादा ज्ञानी है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को ब्रह्म भी मानते हैं, परमात्मा भी मानते हैं और साकार स्वरूप भगवान के रूप में भी मानते हैं, वो पूर्ण ज्ञानी है। तो आज तो सब लोग पूर्ण ज्ञानी बन गए, लेकिन फिर भी एक झगड़ा रह जाता है। कुछ लोग की आसक्ति होती है ना, क्लेश अधिक तरस तेसाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, गीता में कृष्ण कहते हैं अव्यक्त आई गतिर दुखम देह अवाप्यते। जो अव्यक्त में आसक्त रहते हैं, निराकार में, वो यही सोचते हैं ठीक है चलो भगवान निराकार भी है साकार भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को भागवत कथा करते हैं यही चीज बोलते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान निराकार से साकार का प्राकट्य होता है। देखिए सिद्धांत समझना बहुत अत्यंत आवश्यक। उन लोगों का ऐसा मानना है कि निराकार से साकार का प्राकट्य होता है, लेकिन शास्त्र का मानना है कि साकार से निराकार का प्राकट्य होता है। शास्त्र की मगजमारी छोड़ो, आपको एक प्रकट एग्जाम्पल दे दूं। यहां पर ये फोकस मुझे दिख रहे हैं, तीन चार फोकस आपको भी दिख रहे होंगे, ट्यूबलाइट आपको दिख रही है ना ऊपर लाइट, ये लाइट जो है, लाइट बल्ब का गोला, वो साकार है और उसका प्रकाश जो है वो निराकार। यदि मैं आपको पूछूं यहां पर प्रकाश से गोला बना के गोला से प्रकाश बना, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? गोले से प्रकाश आ रहा है मतलब बल्ब से प्रकाश आ रहा है कि प्रकाश से बल्ब बन रहा है? प्रकाश से बल्ब बनता है नहीं, गोले से बल्ब से प्रकाश निकलता है ना। तो वैसे ही निराकार से साकार नहीं बनता, साकार से निराकार प्रकट होता है। इसलिए भगवान साकार भी हैं परमात्मा के रूप में और निराकार ब्रह्म के रूप में, ये तीनों भगवान का स्वरूप, लेकिन इन तीनों में मूल क्या है? भगवान का साकार स्वरूप। यदि कोई साकार स्वरूप की भक्ति करता है तो निराकार परमात्मा ब्रह्म ज्योति ये सब की भक्ति उसी में हो जाती है, है? यदि कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो साकार निराकार ब्रह्म परमात्मा ये सारे लोगों की भक्ति हो जाती है, क्योंकि साकार से ही निराकार ब्रह्म इत्यादि का प्राकट्य होता है। तो यहां पर कहते हैं कि अखिल देह भाजा समस्त देहधारी जीवों के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, और परमात्मा के रूप में रहकर क्या करते हैं? उस देहधारी जो जीव हैं उनको दंड देते हैं या प्रेम करते हैं, दो चीज हैं। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं ना, तू मेरा सबसे निकट का फ्रेंड है, ये मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, क्लोज,
हमसे सबसे ज्यादा क्लोज कौन है जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि ये बॉडी है, उस बॉडी के अंदर हम लोग आत्मा है, आत्मा का स्थान हृदय में है, और हृदय में आत्मा से सबसे निकट परमात्मा है, आत्मा से सबसे क्लोज परमात्मा है, सबसे निकट परमात्मा। और वो परमात्मा आत्मा के बाजू में ही बैठे हैं, उसके बाजू में। और बाजू में बैठकर क्या करते हैं? श्लोक में लिखा है, अंतर बहिर पुरुष काल रूपे। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति जीवात्मा अंतर दृष्टि करता है, परमात्मा अंदर है ना, इसलिए जीवात्मा अंतर दृष्टि अर्थात परमात्मा के प्रति अपनी दृष्टि करता है। परमात्मा के प्रति दृष्टि करना अर्थात परमात्मा का भजन करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथा सुनता है, तो वह भगवान उसको क्या फल देते हैं? तीसरी लाइन में कहते हैं प्रयच्छतो, प्रयच्छतो माने प्रदान करते हैं क्या? मृत्यु अमृतम च, प्रयच्छतो मृत्यु मृतामृतम च। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं अंतर, भगवान की अंतर दृष्टि, कृष्ण की भक्ति करने वाले को भगवान अमृतम प्रदान करते हैं अर्थात उसे अमर बना देते हैं। और बहिर, जो व्यक्ति भगवान से बहिर्मुख दृष्टि करते हैं अर्थात संसार में जिसकी दृष्टि है, संसार की तड़क भड़क और संसार की वस्तु में जो अपनी दृष्टि कर बैठा है, तो उसको भगवान क्या देते हैं? प्रयच्छतो मृत्यु, उसको भगवान मार डालते हैं। भगवान के दो काम है, एक ओर से है अपने भक्तों को अमृत प्रदान करते हैं, अमर बनाते हैं, और अपनी भक्ति नहीं करने वाले को भगवान काल के रूप में मारते रहते हैं। दो कार्य भगवान, एक ही भगवान दो रूप से प्रकट होते हैं। गीता में अर्जुन ने पूछा ना, प्रभु आप कौन हो? तब कृष्ण कहते हैं कालोस्मि लोक क्षय कृतम प्रवुत्तम। ये अर्जुन, इस संसार में जो लोग मेरा भजन नहीं करते हैं ऐसे पापियों के लिए मैं काल बनकर आता हूं, भयंकर महाकाल के रूप में भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। और जिस पापी को वो भगवान लेने आते हैं वो पापी डर जाता है। परंतु जो व्यक्ति भगवान की प्रति अंतर्दृष्टि रखता है, भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान उनके सामने बांसुरी बजाते हुए परम श्याम सुंदर के रूप में प्रकट होते हैं, ताकि वे भक्तों को अपने धाम में लेकर चले जाए। तो महाराज परीक्षित कहते हैं वो तो द्वापर युग जहां पर प्रकट रूप से भगवान सबको दर्शन दिए, लेकिन आज भी यदि कोई भगवान के प्रति अंतर दृष्टि कर ले तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। कुछ लोग कहेंगे कृष्ण की भक्ति करना बहुत हार्ड है, ये है वो है। कृष्ण की भक्ति करना सबसे आसान, क्यों? क्योंकि यहां पर कहते हैं तस्य अखिल देह भाजा, वो सबके अंदर रहते हैं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं सबसे निकट। कुछ लोग सोचते होंगे मैं एकादशी रहती हूं, मैं तपस्या करती हूं, क्या ये भगवान को पता होगा, ये चिट्ठी जाती होगी है? गाती हरि तारा नाम जय हजार भगवान को। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग ये जो भजन भक्ति कीर्तन करते हैं क्या उनको पता होगा, अरे वो ऊपर नहीं, वो अंदर बैठा है, वो सब जानता है। तू कितने लोगों को काटने का प्लान कर रहा है ना, वो भी बैठे बैठे जान रहा है। अभी कथा सुनते हुए लाल गोविंद दास को गाली दे रहा है ना, वो भी जानता है कि ये कब बंद करेगा। सब जानते हैं भगवान, और कोई जाने या न जाने भगवान कभी कभी अंदर बैठे बैठे हंसते होंगे, यार ये कैसा प्लान बना रहा है। कभी कभी भगवान को होगा मैंने मनुष्य को बनाया था इतना अच्छा काम करने के लिए, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा ही निकल पड़ा है। तो भगवान आत्मा के बिल्कुल निकट बैठे हैं, लेकिन हम लोग भगवान से 36 का आंकड़ा कर बैठे हैं। 36 का आंकड़ा जानते हैं? 3 का मुख यहां, 6 का यहां। आप किसी के बाजू में बैठ जाओ लेकिन 1 का मुख यहां तो कोई पता ही नहीं चलेगा ये है क्या नहीं है। यद्यपि कृष्ण हमारे सबसे निकट है लेकिन 36 का आंकड़ा। तो
तो यहां पर सीधा कहा जो 36 का आंकड़ा बनाकर बैठता है तीसरी लाइन में भगवान उसको मृत्यु देते हैं, और जो 63 का आंकड़ा बना देता है उसको भगवान अमृतम प्रदान कर देते हैं। जो भगवान के प्रति दृष्टि करता है अंतर्दृष्टि, तो भगवान उसको अमृतम देते हैं, और बहिर्दृष्टि करने वाले को पुरुष काल रूपे, काल के रूप में आते हैं और भक्त के सामने महापुरुष के रूप में आते हैं। तो परीक्षित का कहना, आप श्लोक का सार यह है कि जो भगवान पापियों के सामने काल के रूप में प्रकट होते हैं, भक्तों के सामने श्याम सुंदर परम पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण माया योग माया का आश्रय लेकर मनुष्य रूप को धारण किए, उस भगवान श्री कृष्ण की कथा वदस्व, वद बोलो, क्योंकि आप विद्वान हो इसलिए आप उस भगवान की कथा। तब मानो सुखदेव गोस्वामी कहे, बस परीक्षित अब आपने बहुत कृष्ण कथा की महिमा सुनाई है, यहां 4 दिन बीत गया, अब कुछ आगे बढ़ाओ। ऐसा हमारे मन में होता होगा, वहां तो नहीं सोचे। तब सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, परीक्षित मुझे इतना तो समझ में आ गया कि तुम वास्तव में कृष्ण कथा सुनना चाहते हो। तो परीक्षित ने कहा, अब तक नहीं समझ में आ रहा था, ये मैं 3 दिन से जो बोले जा रहा हूं, आज चौथा है, तो क्या मैं मजाक कर रहा था? नहीं नहीं, मजाक तो नहीं, लेकिन अब कृष्ण चरित्र तो अपार है, कृष्ण चरित्र तो जिसका कोई अंत नहीं है। आप थोड़ा मेन्यू दे दो कि कृष्ण चरित्र में से मैं क्या क्या सुनाऊं, कुछ फरमाइश दे दो। वक्ता जब श्रोता के ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तब अपने से कहते हैं, फरमाइश कोई है, कुछ सुनना चाहते हो? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्या सुनना चाहते हो? तब महाराज परीक्षित कहते हैं, रोहिण्य स्तनय प्रोक्तो, इफेक्ट नो करो, रोहिण्य स्तनय प्रोक्तो राम शंकर क्षण त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित क्या सुनना चाहते हो, कोई फरमाइश, तुरंत परीक्षित ने अपनी फरमाइश रख दी है। वहां पर कोई नम्रता नहीं दिखाई, प्रभु जो सुनाना है सुनाओ, नहीं, पहले मुझे ये सुनाओ कि रोहिणीय स्तनय प्रोक्त, आपने नवम स्कंद के अंत में कहा कि बलराम का जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ, आपने ऐसा कहा नवम स्कंद में कि रोहिणिया तनय प्रोक्तो, प्रोक्तो शब्द भूतकाल में है, प्रकृष्ट रूपेण उक्त नवम स्कंदे, नवम स्कंद में आपने कहा कि बलदेव जी जो है रोहिणी के तनय, रोहिणी के पुत्र है, परंतु आपने साथ साथ ये भी कहा देवक्या, वो देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में आए। कंफ्यूजन ये है कि एक लड़का देवकी के गर्भ में और रोहिणी के गर्भ में, दो मां के गर्भ में कैसे हो सकता है? रोहिणिया स्तनय प्रोक्तो राम संकर्षण त्वया, राम बलराम, राम माने बलराम और उसका दूसरा नाम है संकर्षण, तो वह संकर्षण वो बलराम देवकी के गर्भ से 7वें पुत्र के रूप में आए और रोहिणी के गर्भ से भी जन्म लिए, तो एक बालक दो मां के गर्भ में कैसे हो सकता है? देवक क्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर बिना, देह अंतर किए बिना, मरे बिना एक बालक दो मां के गर्भ में? आज विज्ञान कितना भी आगे हो है, विज्ञान ने आज कितनी भी प्रगति की है, लेकिन ये तो नहीं कर सकता ना कि एक मां के गर्भ से बालक को निकालकर दूसरी मां के गर्भ में डाल देना। हाँ, गर्भ से एक बार एक मां के गर्भ से निकाल तो लेगा आज का विज्ञान, लेकिन दूसरे मां के गर्भ में यदि डालने का प्रयास करेगा या तो मां मर जाएगी या बच्चा या दोनों। लेकिन यहां किसी को कुछ नहीं हुआ और एक बालक दो मां के गर्भ में, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तक कृष्ण कथा के लिए जिज्ञासा कर रहे थे और जब फरमाइश देने के लिए कहा तो बलदेव जी के विषय में पूछ लिया। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर,
सब कुछ कवर कर लिया है, कृष्ण कथा भी और बलदेव जी की कथा। मुकुंदो भगवान पितृ गेहाद ब्रजं गत क्वासं ज्ञातिभिर् सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अब ये जिज्ञासा हो रही है, इसके उत्तर आएंगे आगे, ये सारे प्रश्न के उत्तर इसी कथा में आएंगे। परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि एक बात समझ में नहीं आ रही है, कस्मात मुकुंदो भगवान, भगवान श्री कृष्ण पितृ गेहात ब्रजम गत क्यों? भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में अपने पिता के घर पर जन्म लिए, तो आप सब जानते हैं ना, बालक का जब जन्म होता है तो उसे माता पिता की कितनी आवश्यकता होती है, और कुछ हो या ना हो माँ चाहिए, माँ का दूध चाहिए। एक बालक का जब जन्म होता है तो माता पिता की अत्यंत आवश्यकता होती है, लेकिन कृष्ण जन्म लेते ही पितृ गेहात अपने पिता के घर से ब्रजमगत गोकुल में चले गए, ब्रज में चले गए। ऐसा क्यों? दो पांच दिन, दस दिन, दो पांच महीना, दो तीन साल रहे होते, अपने माता पिता को थोड़ा आनंद दिए होते, जन्म लेकर तुरंत पिता के घर को छोड़कर क्यों चले गए? तब सुखदेव गोस्वामी थोड़ा मजाक करने लगे, डर गए होंगे कंस के डर से। मानो सुखदेव गोस्वामी ऐसा कहे कि वो कंस के भय से डर गए होंगे। परीक्षित ने कहा कभी नहीं। बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं कस्मान मुकुंद भगवान, अरे वो मुकुंद है, वो डरने वालों में से थोड़ी ना, क्योंकि मुकुंद का अर्थ होता है मुकु माने मुक्ति और द माने देना, मुक्ति ददाती इति मुकुंद। इस संसार में मनुष्य की बात छोड़ो, बड़े बड़े देवताओं को भी जो मुक्ति प्रदान करते हैं उसे मुकुंद कहा जाता है। ये तो मुक्ति देने वाला है, कंस के भय से थोड़ी ना डरेगा, दुनिया को मुक्ति देने वाला कंस के भय से डरेगा कभी नहीं। कुछ प्रयोजन है आप मुझे बताइए। और इतना ही नहीं, को वासम ज्ञाति वीर साधम कृतवान सात्वताम पति, और सात्वत वंशियों के साथ अर्थात नंद बाबा यशोदा इत्यादि के साथ भगवान वो वासम कितने समय तक रहे, और उन सात्वताम पतियों के साथ उनके साथ रहकर कृतवान भगवान ने क्या क्या किया, कृष्ण ने क्या क्या किया, ये सारी बात बताइए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे, फिर गोकुल को छोड़कर नंदगांव चले गए, तो परीक्षित की यह जिज्ञासा है, सब कुछ सुनाइए, ब्रज में क्या क्या हुआ। ब्रजे वसन कीम करो मधुपुर्याम चकेशव ब्रातरम चावधित कंसम मातुर्द्वातदह। ब्रजे वसन किम करो, ब्रज में रहकर कृष्ण ने क्या किया, क्या किया, माखन चोरी किया ब्रज में रहकर क्या किया, बहुत कुछ किया ना, गोपियों के चीर चुराए, माखन चुराए, अनेकों प्रकार की लीला, अद्भुत अद्भुत लीला। तो ब्रजे वसन किम करो, ब्रज में रहकर कृष्ण ने क्या किया। मधुपुर्याम, और मधुपुरी का अर्थ है मथुरा, मथुरा में रहकर क्या किया, ब्रज में कितने समय तक रहे, मथुरा में कितने समय तक रहे, और द्वारिका में कितने समय तक रहे, और सभी जगह पर वहां रहकर उन्होंने क्या क्या किया। एक्चुअली महाराज परीक्षित पूछना चाहते हैं कि कृष्ण आखिर है कहां के, कुछ समझ में आता है कहां के, पूछा जाए कृष्ण कहां के। कुछ लोग कहते ना मैं मुंबई का, मैं गुजरात का, मैं वहां का, मैं महाराष्ट्र का। भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी थी जो महाराष्ट्रन थी, जिसका नाम था रुक्मणी, लेकिन कृष्ण के विषय में पूछे जाए कृष्ण कहां थे, कहां के थे, तो गुजरात वाले बड़े गर्व से कहेंगे कृष्ण गुजरात के थे। वैसे कृष्ण का जन्म भले मथुरा में हुआ और कुछ समय तक भले वह गोकुल में रहे, लेकिन सिटीजनशिप जो थी कृष्ण के पास, कृष्ण के पासपोर्ट के ऊपर रेशन कार्ड में जो एड्रेस था वो द्वारिका का था,
ये सत्य बात है। क्योंकि कृष्ण ब्रज में लगभग 11-11.5 वर्ष तक रहे, ब्रज में 11-11.5 वर्ष तक रहे, मथुरा में 18 वर्ष तक रहे, परंतु द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण 100 वर्ष तक रहे। 128 वर्ष की आयु थी कृष्ण की। तो सबसे ज्यादा कृष्ण द्वारिका में, गुजरात में रहे, सौभाग्य है गुजरात। तो ये परीक्षित पूछ रहे हैं, व्रजे वसन किम करो, तो व्रज में कितना समय तक रहे और क्या किए, मधुपुर्याम च केशव, मथुरा में कितने समय तक रहे और क्या किए। और एक बात समझ में नहीं आ रही है कि संसार के लोग अपने मामा से कितना प्रेम करते हैं। करण है? प्रेम है नीलेश ठक्कर से? बहुत है, है? संसार के लोग अपने मामा से कितना प्रेम करते हैं है? गुजराती लोग गाते थे ना, मामा नु घर केटले सब लोग दीवो पड़े हेटले मामा मामा से बहुत प्रेम करते हैं। पहले तो एक बच्चे का माँ से कितना प्रेम होता है, एक बच्चा माँ से कितना, माँ के बिना रह नहीं सकता है, माई माँ बीजा वगड़ा नवा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान भक्त से कितना प्रेम करते हैं, प्रैक्टिकल तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन भगवान का भक्तों से कितना प्रेम है उसकी झलक यदि किसी को देखनी है तो अपनी माँ में देख लीजिए। एक माँ अपने बेटे से जितना प्रेम करती है उतना प्रेम भगवान भक्त से करते हैं। माँ सदैव, बच्चा कैसा भी हो, लेकिन ये मेरा लाला है, मेरा बेटा है, माँ का अद्भुत प्रेम होता है। तो ये तो खाली माँ, तो माँ में तो एक ही माँ होता है, तो माँ माँ डबल माँ, डबल प्रेम। और भारतवर्ष की संस्कृति है, जैसे ही वेकेशन होता है तो लड़का सीधा मामा के घर पर चला जाता है। अब मेरी बात लीजिए ना, मैं ही जब छोटा था तो जैसे ही वेकेशन होता था मामा के घर पर है? तो संसार में भांजे जो होते हैं मामा से कितना प्रेम करते हैं, मामा प्रेम करने लायक होता है और इसने अपने मामा को ही मार डाला। संसार के लोग कृष्ण के ऊपर दोष भी करते हैं, अपने मामा को क्यों मारा, क्योंकि मामा ये कर रहा था इसके लिए, मामा ऐसा था इसलिए मारना पड़ा। ये सारी कथा आएगी किस प्रकार कंस और इसका युद्ध हुआ। और महाराज परीक्षित इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को का एक नाम बता रहे हैं। दूसरी लाइन के अंत में देखिए, मधुपुर्याम च केशव, कृष्ण का एक नाम है केशव। कृष्ण का नाम केशव क्यों हुआ? केशव का अर्थ है, का अर्थ होता है ब्रह्मा। कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी आप कुछ भी बिठा देते हो, का अर्थ ब्रह्मा कैसे होगा है? का अर्थ ब्रह्मा कैसे? तो आप सब जानते हैं इस सृष्टि के प्रथम जीव कौन है, इस सृष्टि के प्रथम जीव कौन? ब्रह्मा। वर्णमाला का प्रथम अक्षर कौन सा है? प्रथम जीव कौन? वर्णमाला का प्रथम अक्षर, दोनों प्रथम प्रथम हुए इसलिए सेटिंग हो गया, क माने ब्रह्मा, ऐसा शास्त्र में लिखा है। ये केशव शब्द में जो क है इसका अर्थ है ब्रह्मा। और संधि विच्छेद करेंगे तो क प्लस ईश तो केश हो जाएगा। ईश का अर्थ होता है शिवजी। आप कहीं भी देखिए शिवजी का नाम ईश्वर, ईश्वर। पार्ला में जाएंगे तो पार्लेश्वर है? कहीं भी कोई भी जगह का नाम होगा उसके पीछे ईश ईश्वर लगा देंगे है? तो ईश का अर्थ है शिव और क का अर्थ है ब्रह्मा। क माने ब्रह्मा और ईश माने शिव, इसका अर्थ हुआ केश। और व का अर्थ होता है जो अपने वश में रखते हैं। क माने ब्रह्मा, ईश माने शिव, ब्रह्मा और शिव को भी जो अपने वश में रखते हैं उसे केशव कहा जाता है। ये है कृष्ण के नाम का अर्थ। तो ब्रह्मा और शिव को कृष्ण अपने वश में रखते हैं, जबरदस्ती नहीं है, ऐसा कॉलर पकड़ के नहीं, प्रेम से। कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि ब्रह्मा और शिव दोनों उनके वश में हो जाते हैं।
ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कृष्ण को वश में करना पड़ा। कृष्ण की लीला गुण रूप सुंदरता ऐसी है कि बस ये लोग रह ही नहीं पाते हैं, चाहे राम भगवान राम का प्राकट्य हो या कृष्ण का प्राकट्य है। जैसे ही बुधवार के दिन कृष्ण का प्राकट्य होगा, जैसे ही कृष्ण का जन्म और ब्रज में नंद उत्सव होगा, तो उस समय शिव जी रह नहीं पाएंगे। जब ब्रज में नंद उत्सव मनाया गया तब वहां पर शिव जी जोगी का रूप लेकर आए अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए, कि हम भी दर्शन करेंगे हमारे प्रभु का। जोगी का रूप लेकर आए क्योंकि ये सब सर्प देखेंगे तो डर जाएंगे सब। जोगी का रूप लेकर आए सीधे यशोदा के घर पर। यशोदा ने कहा, बाबा क्या चाहिए? तो बाबा ने कहा, मुझे आपके लाला का दर्शन करना है। यशोदा ने देखा, मेरा लाला यदि इसको देख लिया तो डर जाएगा, रोने लगेगा। बोले, बाबा बाबा आपका रूप कुछ ऐसा है ना, मैं लाला को आपके सामने नहीं ला सकती। आपको जो चाहिए, आपको हीरे जवेरात धन कोष संपत्ति जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन लाला का दर्शन मत मांगो। शिव जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं, मुझे तो तुम्हारे लाला का दर्शन ही करना है। बार बार शिव जी ने कहा, यशोदा ने ना कह दिया। शिव जी निराश होकर वहां से निकल गए। नंद गांव की यह घटना है। शिव जी निराश होकर निकल गए। भगवान के विरह में शिव जी को जितना कष्ट हुआ उससे कोटि गुना ज्यादा कृष्ण को कष्ट हुआ। मेरा भक्त मेरे पास आया और उसे निकाल दिया गया। और जैसे ही शिव जी लौट गए, भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। और अब इस बार तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। किसी गोपी ने कहा, मैया यशोदा इसको किसी की नजर लग गई है, इसको कोई किसी की भारी नजर लगी हुई है, तो कोई नजर उतारने वाले को ढूंढ कर लाऊं? बोले, हाँ जल्दी ढूंढ कर लाओ। ये गई और ये जोगी बैठे थे, शिव जी जोगी का रूप लेकर। बोले, बाबू बाबा आप नजर उतारना जानते? बोले, पक्का नजर उतारना जानता हूं। और उसमें भी कहा, यशोदा के लड़के कृष्ण की नजर उतारनी है। बोले, उतार दूंगा, एक बार उतारता हूं तो फिर चढ़ती नहीं है। बोले, चलो चलो बाबा आपका बहुत शोक, हमारा सौभाग्य आप यहीं पर हो। शिव जी को लेकर गए। वही बाबा फिर से वापस आया, आए शिव जी आए और कहा कि यशोदा ने कहा कि मेरे लाला रो रहा है, उसकी नजर उतार। शिव जी ने कहा, देखो नजर उतरेगी लेकिन उसको मेरे सामने लाना पड़ेगा, बिना देखे नजर थोड़ी उतरती है, आप उनको मेरे सामने लेकर आओ। जैसे यशोदा कृष्ण को शिव जी जोगी का रूप लेकर आए थे उनके सामने लेकर आई, और जैसे ही शिव जी ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने शिव जी को देखा, 3 घंटे से कृष्ण रो रहे थे, अपने भक्त शिव जी को देखकर कृष्ण खिलखिलाते हंसने लगे। यशोदा तो चक्कर में पड़ के, अद्भुत बाबा है ये, तो बाबा उस्ताद है, मतलब एक्सपर्ट बाबा है, देखकर नजर उतार दिया। शिव जी ने कहा, देखो मैया मैं ऐसा चमत्कारी बाबा हूं, और तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये लड़का जीवन भर तक ऐसे ही हंसता रहे? अब कौन मां नहीं चाहेगी अपना बच्चा खुश न रहे? बोले, हां चाहती हूं इसी प्रकार से कभी न रोए, ऐसे हंसते रहे। तो देखो मैया, मेरी जटा में एक अद्भुत जादू है, यदि उसका चरण मेरी जटा में स्पर्श करा दो, ये जीवन में कभी रोएगा नहीं। यशोदा ने कहा गोपी को, जल्दी जल्दी अपने लाला का चरण स्पर्श कराओ। और जैसे ही कृष्ण का चरण शिव जी के मस्तक पर आया, शिव जी नाचने लगे। शिव जी जोर जोर से नाचने लगे। शिव जी अपने मन ही मन में सोचने लगे, आज तक जिस भगवान के चरणों को स्पर्श होकर गंगा जल बह रहा था, उस गंगा जल को मेरे मस्तक पर धारण किया, मैं 3 लोकों में विख्यात हो गया। जिनके चरण के जल को मात्र मस्तक पे धारण किया, मैं 3 लोकों में अमर बन गया। आज उस साक्षात भगवान का चरण मेरे मस्तक पर आया, मैं तो धन्यादि धन्य हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Prem se gaiye. Hare Hare. जो सौभाग्य शिवजी को मिला, आप चाहते हो सौभाग्य हमको मिले? प्रेम से गाइए, आपको 28 तारीख को यह सौभाग्य मिलेगा अवश्य. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Hare. भगवान का नाम लेते हुए शिवजी नाच रहे हैं. Krishna Hare. वैष्णव नाम यथा शंभो. हरे राम जय हो. राम राम हरे हरे. कर सर पर सद हरि अमर कर अनुसर कर परवर धर मेल करे. हर हर सुर यवर यपर यतियन कर नतवर मन हर भैर बन. हर मन हर मटक लटक तक निकट मुकट शिर सवर नमे. गण रण पट परड़ परड़ पद घूंघर रंग भर सूंदे. श्याम मेरे जीजी रंग भर सूंदे. श्याम मेरे जीजे रंग भर सूंदे. श्याम तव दमक दमक दादुर दव दमकत बहकत मोर मलाल गिरा. तव पियु पियु शबद पुकारत चातक पियु पियु कोकिल कंठ गिरा. तव गड़ड़ गड़ड़ नभ होत कड़ा कान घन. घन गिरिवर शिखर बजे. घन रण पट भरड़ भरड़ पद झूंगर रंग भर सुंदर. श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदर. श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदर. श्याम ब्रिज की सब बाला रूप रसाला. ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करीबे हाला नंद लाला. लागी तन ज्वाला विपत विशाला दिन दयाला नंद लाला. आये नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसीवाला बनवारी. नर सुखकारी मित्र मुरारी गए विसारी. गिरधारी रे जी जी गए विसारी. गिरधारी रे जी गए विसारी. गिरधारी हाँ राधा गिरधारी. राधा गिरधारी. राधा गिरधारी राम गिर. राधा गिरधारी. राधा गिरधारी.
राधा गिरिधारी राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि कथा बहुत बाकी है इसलिए मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि 15 मिनट ज्यादा कथा को करूं। आप लोगों की इच्छा है पक्का? 9:30 बज चुके हैं, 15 मिनट और दो तीन श्लोक, 10 नहीं 10:15। ठीक है, एक मिनट दे रहा हूं, जिसको जाना है वो निकल जाए, तब तक हम लोग महामंत्र बोल देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देह मानुष माश्रित्य कति वर्षा याम सहावासी पत्न्या कत्य भवन प्रभो। देहं मानुष्यमाश्रित्य, हे सुखदेव गोस्वामी कृपया करके आप यह बताइए कि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य देह का आश्रय लेकर आए, मनुष्य का रूप लेकर आए, वास्तव में वो मनुष्य नहीं, वो तो भगवान है, लेकिन नर वपु तार स्वरूप, नर रूप लेकर जब भगवान श्री कृष्ण आए तो यदुपुरियाम सहावासित, वे यदुपुरी, वे द्वारिका में कितने समय तक रहे? और एक बात समझ में नहीं आ रही है कि द्वारिका में जाकर इतनी शादी क्यों कर ली भगवान? द्वारिका में जाकर इतनी शादी क्यों की? 16,108 पत्नियों के साथ विवाह। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कुछ प्रॉब्लम है? तब परीक्षित कहते नहीं नहीं, वो तो प्रभु है। श्लोक में एक शब्द आया है पत्न कत्य अभवन प्रभो, अंतिम शब्द। बोले नहीं नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 16,000 क्या, वो तो 16,00,000 के साथ शादी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो प्रभु है। प्रभु माने कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ, जो सब कुछ करने में समर्थ है उसे प्रभु कहा जाता है। बोले वो तो प्रभु है, वो तो साक्षात भगवान है, वो तो सब कर सकते हैं। इसलिए प्रभु बताइए कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार में कितने समय तक रहे? भक्तों ये सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किया, परंतु 16,108 विवाह करके भी आश्चर्य की बात जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। जब वे 16,108 के साथ विवाह किए, द्वारिका में रह रहे थे और गए हस्तिनापुर, वहां पर युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ में बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि यहां पर अग्र पूजा किसकी की जाए, और अग्र पूजा उसी व्यक्ति की कर सकते हैं जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। उस समय सब लोगों ने कहा पितामह भीष्म की कीजिए, वो परम पराक्रमी ब्रह्मचारी। पितामह भीष्म ने कहा मैं तो आजकल का ब्रह्मचारी है, इस सभा में सूर्य के समान ब्रह्मचर्य व्रत से कोई चमक रहा है तो एकमात्र कृष्ण है। अग्र पूजा यदि कोई करना चाहते हैं तो वो कृष्ण की कीजिए। सहदेव ने भी इसी बात का समर्थन किया और उस समय सब लोग मान गए कि नहीं, दुर्योधन भी मान गया कि कृष्ण ब्रह्मचारी है। एक आदमी नहीं माना, शिशुपाल।
नाम था शिशुपाल, शिशु का पालन करने वाला, लेकिन बेचारे की शादी नहीं हुई। शादी करने के लिए शादी के मंडप में भी आ गया, रुक्मणी सामने खड़ी भी हो गई और मन में लड्डू भी फूट रहे थे और मन में सोच भी रहा था शादी करूंगा, बच्चा करूंगा इंग्लिश मीडियम में, इसलिए नाम हुआ शिशुपाल। लेकिन भगवान शादी के दिन ही रुक्मणी का हरण करके चले गए और वास्तव में वो शिशुपाल बन गया। तो ऐसा एक शिशुपाल था जो कृष्ण को भगवान के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार नहीं किया और आकर बहुत गाली देने लगा। बोले ये ब्रह्मचारी, अरे ये तो पापी है, ऐसा है वैसा है। कृष्ण ने शिशुपाल की माँ को पहले से ही कह कर रखा था 100 गाली तक मैं सहन करूंगा, 100 से 1 भी अधिक हो गई तो फिर मेरे से सहन नहीं होगा। और ये शिशुपाल ऐसा था, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से गाली देना शुरू किया। जन्म से तो लड़के तोतली बोली में बोलते ना, तो तोतला था तब भी ये ताला तैता थे, कृष्ण को ताला ताला कहता था साला। तो इस प्रकार से शिशुपाल कृष्ण से वैर करता था और शिशुपाल ने स्वीकार नहीं किया, सुदर्शन चक्र चढ़ाए और शिशुपाल का वध कर दिया। कृष्ण ने यह दिखाया कि जो लोग मुझे भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे वो तो बचेंगे, लेकिन जो भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे शिशुपाल की तरह मस्तक कट जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण 16108 पत्नी हैं, लेकिन फिर भी आज का आदमी ये सोच सकता है कि कृष्ण ने इतनी शादी क्यों की, क्योंकि बेचारे की उसमें कोई दोष भी नहीं है। क्योंकि आज का आदमी सोचता है तो अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता से सोचता है कि यार मैं एक को रुक्मणी के साथ विवाह किया, एक भी विवाह जेन्युइन तरीके से नहीं हुआ, जैसे आदमी का, सज्जन आदमी का होता है, एक भी शादी ऐसे नहीं हुई, किसी में कोई मरा किसी में कटा। तो ये कथा भी बहुत सुंदर है, सुनने लायक, कभी सुनेंगे अवसर मिला तो। रुक्मणी विवाह, सत्यभामा का विवाह। अब इतना कहने के बाद महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु मैं भी फरमाइश देने लगा, अरे मुझे कहाँ पूछने को आता है, इतना सब पूछ लिया फिर क्या कहते हैं, प्रभु मुझे तो पूछने ही नहीं आता है कि कथा क्या करनी चाहिए। इतना पूछ लिए कि कृष्ण का ये बताओ वो बताओ, यहाँ कितना रहे वहाँ कितना रहे, फिर क्या कहते हैं महाराज परीक्षित, एतद् अन्यश्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुम् अर्हसि सर्वज्ञ शतधानाय। प्रभु आप कृष्ण कथा सुनाने में है, वक्ता में समर्थ हो, क्यों, वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो। कृष्ण कथा का वक्ता वही बन सकता है जो सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ बनने के लिए बहुत सुनना पड़ता है, अनेक लोगों के मुख से, अनेक आचार्यों की लेखनी, श्रील प्रभुपाद जी, बहुत, जो व्यक्ति बहुश्रुत होता है वही व्यक्ति सर्वज्ञ बन सकता है। तो हे सुखदेव गोस्वामी आप सर्वज्ञ हो और मैं श्रद्धालु हूं। वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्ध दानाय विस्तृतम, आप सर्वज्ञ हो और मैं श्रद्धालु हूं। श्रोता, श्रोता की योग्यता क्या है, श्रद्धालु। श्रोता को श्रद्धा होनी चाहिए। श्रोता यदि कितना भी जल्दी टाइम से आ जाए लेकिन हृदय में श्रद्धा न हो तो कथा सुनने का पूरा फल नहीं मिलता है। भागवत के प्रारंभ में यह बात है, 3 जन के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। 1, जिसकी कथा हो रही है उस भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा। 2, जिस ग्रंथ से कथा हो रही है उस ग्रंथ भागवत के ऊपर पूर्ण श्रद्धा। और 3, जो व्यक्ति बोल रहा है उस वक्ता के प्रति पूर्ण श्रद्धा। जब ये 3 श्रद्धा पूर्ण रूप से होती है तब भागवत का पूर्ण फल मिल जाता है। श्रद्ध धानाय विस्तृतम, आप सर्वज्ञ हो और मैं श्रद्धालु हूं, कृपया करके आप सुनाइए। जय श्री कृष्ण।
जब इस प्रकार से महाराज परीक्षित कहे कि सुनाइए आप, मैं जो नहीं पूछा वो भी सुनाइए, आप जो भी जानते हो सब सुना दीजिए कृष्ण के विषय, तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा ठीक है परीक्षित, अब थोड़ा चुप रहो, बहुत बोले आप, चार दिन से बोल रहे हैं, चौथा दिन पूरा होने को आ गया है, परीक्षित ही बोल रहे हैं अभी तक। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित मैं तुम्हारी इच्छा को समझ गया, तुम कृष्ण कथा सुनना चाहते हो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, वादा करता हूँ, लेकिन तुम तीन दिन तीन रात से कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, एक घड़ी सोए भी नहीं, एक काम करो थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा इंटरवल कर देते हैं, थोड़ा खा पी लो, अब मैं यहाँ एक सेकंड के लिए कह दूँ कि आप लोग प्रसाद लेकर आओ तो कोई बैठा रहेगा, सब खड़े होकर चले जाएंगे और फिर सीधा गेट के बाहर। परीक्षित तीन दिन तीन रात से भूखे प्यासे और सोए भी नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा राजन तुम राजा रहे हो और जो राजा होते हैं अनेक प्रकार के भोग भोगने के अभ्यस्त होते हैं, क्योंकि राजाओं के पास धन की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए अनेकों प्रकार के भोग भोगते हैं, बेटर फैसिलिटी का उपभोग करते हैं। तीन दिन से आप कुछ नहीं खाए, आप कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए, कुछ आराम कर लीजिए, फिर मैं कृष्ण कथा फ्रेश मूड में सुनाऊंगा। महाराज परीक्षित कहते हैं प्रभु मैं टोटली फ्रेश हूं, आप सुनाओ, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, है? बहुत सुंदर कहते हैं नै शाती दुःसहा शुतमा तक्त्योदम पिबाधते पिबन्तं त्वं मुखाम्भोजं च्युतं हरिकथामृतम्। अद्भुत। ने शाति दुःसहा शुन्माम त्यक्तोदम अपि न बाधते। हे सुखदेव गोस्वामी क्या बताऊं, मैं तीन दिन तीन रात से भूखा हूं, मैं मानता हूं, मैं ये भी मानता हूं तीन दिन तीन रात से मैंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सोया भी नहीं, और प्रभु सत्य कहूं तो भूख लगी भी है, ये सत्य बात है, इसे आचार्यों ने लिखा है, प्रभु सत्य कहूं तो भूख लगी भी है लेकिन वो भूख मुझे बाधित नहीं कर रही है, भूख है लेकिन वो भूख परेशान नहीं कर रही है। आज तो हमको भूख लगती है तो परेशान करती है, समय से भोजन नहीं मिला तो क्रोध होता है, और भोजन मिला और ठीक नमक कम पड़ा या ज्यादा पड़ गया तो भी क्रोध होता है। जो भूख इस संसार के आदमी को मजबूर कर देती है, लोग कहते ना पापी पेट का सवाल है, जो भूख भक्तों को भजन भी नहीं करने देती है, इसलिए कुछ लोग कहते ना भूखे भजन नहीं गोपाला ले लो अपनी कंठी माला, भूखे भजन नहीं होता है। जिस भूख को सहन करना दुसूह्य है, असह्य है, सारे वेगों को सहन किया जा सकता है लेकिन भूख का वेग, कोई आदमी दस दिन से भूखा है और यहां पर आए ये सोच करके कुछ भोजन मिलेगा, और उस आदमी की आप स्तुति करो, उसको हार माला पहना हो, दूसरा माला पहना हो, कुछ भी करो, लेकिन उसको कोई काम आपका अच्छा नहीं लगेगा, उसको भोजन चाहिए। भूखे आदमी को कोई चीज नहीं सुहाएगी, क्योंकि भूख एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अन्य अन्य असुर जो है ना वो बाहर से आते हैं, लेकिन ये भूख जो है ना अंदर से उत्पन्न होती है, भूखा असुर अंदर से। श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिखते हैं, मैं बहुत सी छोड़ रहा हूं क्योंकि पकड़ के रखा तो फिर आगे जाती नहीं है कथा, लेकिन जो याद स्मरण आ रहा है वो कह रहा हूं। यहां पर कहते हैं न एश, एश शब्द जो है ना वो इशारा करके दिखा रहे हैं, परीक्षित महाराज पेट के ऊपर हाथ घुमा रहे हैं, एश ये जो पेट में भूख है ना, भूखासुर यहां से उत्पन्न होता है, भूख है लेकिन न बाधते मुझे बाधित नहीं कर रही है। हमको भी भूख लगती है लेकिन बाधित करती है, 15-20 मिनट में यदि यहां पर बिठा दूं ना तो बिना कहे लोग खड़े होकर चले जाएंगे, क्योंकि बाधित करती है भूख है, इसलिए सोच समझ कर बंद कर देना पड़ता है, ताकि हमारा भी मान रह जाए। तो ऐश ये जो भूख है निश्चित रूप से है लेकिन मुझे बाधित नहीं कर रही है, छुत माम मुझे प्यास और भूख बाधित नहीं कर रही है। सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं समझ में नहीं आ रहा है कि जिसके कारण तुम यहां पर श्राप, तुमको जिसके कारण श्राप मिला, आप कथा जानते हैं ना,
महाराज परीक्षित जंगल में शिकार करने गए, गर्मी का दिन था, आधे दिन तक प्यासे रहे, उनको प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में गए, समीक ऋषि ध्यान में थे, परीक्षा लेने गए, मरा हुआ सर्प उनके मस्तक पर रखा, गले में रखा, उनके पुत्र श्रृंगी को पता चला, श्रृंगी ने श्राप दे दिया, 7 दिन में तुम मर जाओगे। आधे दिन की प्यास तुमको इतनी बाधित कर दी कि तुमको श्राप मिल गया, वहां तुम आधे दिन में प्यासे हो गए और यहां 3 दिन 3 रात बीता फिर भी कोई प्यास नहीं। समझ में आ रहा है ये प्रश्न? वहां आधे दिन में प्यासे हो गए कि तुमको श्राप तक मिल गया और यहां 3 दिन 3 रात बीत चुका फिर भी न तो भूख है न प्यास न नींद, ऐसा तो न जाने तुमको क्या मिल रहा है। तब दूसरे तीसरी लाइन में कहते हैं, पिबन त्वम ताम मुखाम भोजम च्यूतम हरि कथा अमृतम। हे सुखदेव गोस्वामी जी, आपके श्री मुख से झरने की तरह झरझर झरझर झरता हुआ कथा अमृत का मैं पान कर रहा हूं। बताइए, जिसको अमृत मिल जाता है उससे वह संसार का साधारण पानी की प्यास कभी नहीं लगती। अरे जो अमृत का पान कर रहा है वो कभी पानी मांग सकता है? कभी नहीं। प्रभु मुझे कथा अमृत मिल रहा है, मुझे पानी भोजन कुछ नहीं चाहिए, आप कथा सुनाइए। लेकिन ये तो परीक्षित ही बोल सकते हैं, आज के श्रोता नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कथा को मैं यहाँ विराम करता हूँ। लेकिन आप सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए, मैं आपकी 2 मिनट चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष अनाउंसमेंट जन्माष्टमी की करने वाले हैं, एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, तो 2 मिनट आप अपने स्थान पर बैठे रहिए। पंचतत्व प्रभु, आप सीधा अभिषेक के विषय में बता दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा